Hello friends, how are you? I hope you are healthy and well-being. So welcome back to Non Channel. Myself, Abhishek Kumar. I am your biology mentor. So in this particular video, we talk about very interesting and important topic of the 11th NCERT, that is the anatomy of flowering plants. It means anatomy of angiosperm. So I hope you really enjoy this video. So if you like my video, so please subscribe my channel and like share my video with friends. And if you want to join my social media handles, so I provide a link in description box and about section of my channel. So please go through about section of my channel and click the social media icon and join me there. So I hope you really appreciate with me. So watch the video and keep support. Friends, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. आज का टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट प्लांट. डाइकॉट और मोनोकॉट की प्लांट के बारे में हम डिस्कस करेंगे. एनाटॉमी होता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट, है ना. तो इसमें क्या दिखाया है, टेस्ट में क्या दिखाया है, वो हम देख लेते हैं. फॉर ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टिश्यू, है ना, टिश्यू की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूट, स्टेम एंड लीफ. इट इज कन्वीनियंट टू स्टडी द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द मैच्योर जोन ऑफ द दीज ऑर्गन, है ना. इसका मतलब ये है कि हमें अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए, अच्छे तरीके से टिश्यू का ऑर्गेनाइजेशन देखने के लिए, यानी टिश्यू का ऑर्गेनाइजेशन रूट में क्या है, स्टेम में क्या है, लीफ में क्या है, इसको हम अच्छे से देखने के लिए, अच्छे से समझने के लिए हमको क्या है, इसका ट्रांसवर्स सेक्शन, इसके जो मैच्योर जोन्स हैं उनका ट्रांसवर्स सेक्शन करके हमको अच्छे से पढ़ें तो हमें अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं सारी की सारी चीज़ों को, है ना. तो हमको इसमें क्या दिया गया, फर्स्ट हमको दिया गया डाइकॉट रूट के बारे में बताया गया है कि डाइकॉट रूट क्या होती है. डाइकॉट रूट के बारे में दिखाया गया हमको, हम देख लेते हैं डाइकॉट रूट. इसमें फिगर जो है 6.6 ए दिखाया गया है, जिसमें कि इसमें डाइकॉट का सेक्शन दिखाया गया है हमको. डाइकॉट रूट का सेक्शन दिखाया गया, वो हम आगे चल के देखेंगे. पहले जो टेस्ट में लिखा गया है वो हम पढ़ लेते हैं, ठीक है. इट्स शॉर्ट ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द सनफ्लावर रूट्स, है ना. जो हमारा 6.6 में फिगर है, 6.6 का ए फिगर है, वो सनफ्लावर की रूट का ट्रांसवर्स सेक्शन दिखाया गया है, यानी TS सेक्शन दिखाया गया हमको, ठीक है. द इंटरनल टिशू ऑर्गेनाइजेशन एज फॉलो, है ना. उसमें इंटरनल टिशू ऑर्गेनाइजेशन दिखाया गया. द आउटर मोस्ट लेयर इज एपिप्लेमा, है. मैंने आपको बताया था कि हम जो एपिप्लेमा मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था, जो रूट के केस में हम एपिडर्मिस ना बोल के उसको हम एपिप्लेमा बोलते हैं रूट के केस में. ये हम डाइकॉट रूट के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम इसको एपिप्लेमा बोल रहे हैं, ठीक है. आउटर मोस्ट लेयर इज एपिप्लेमा. मेनी ऑफ सेल ऑफ एपिप्लेमा प्रोट्रूड इन फॉर्म ऑफ यूनिसेलुलर रूट हेयर, है ना. जो हमारी एपिप्लेमा की सेलें होती हैं, एपिप्लेमा की सेल होती हैं, तो ये हमारी जो होती हैं यूनिसेलुलर हेयर बनाती हैं, क्योंकि हमारे जो हेयर थे एपिडर्मिस ग्रोथ थे, एपिडर्मल से निकलते थे, तो हम रूट के केस में इसको एपिडर्मिस को हम एपिप्लेमा बोलते हैं. तो हमारे रूट हेयर होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, मैंने आपको बताया था ट्रिक की हेल्प से. मैंने इस ट्रिक से बताया था RUSM, है ना, रस्म. यूनिसेलुलर हेयर होते हैं रूट के, और स्टेम के होते हैं मल्टीसेलुलर हेयर होते हैं, है ना. द कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ द सेलुलर लेयर, जो कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ सेलुलर लेयर, थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल. जो हमारी कॉर्टेक्स होता है उसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं, थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल होती हैं, थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल होती हैं, थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल होती हैं विद इंटरसेलुलर स्पेस, यानी उसमें इंटरसेलुलर स्पेस होता है. द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज एंडोडर्मिस, यानी जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो कॉर्टेक्स की हम उसको बोलते हैं एंडोडर्मिस बोलते हैं. इंडो का मतलब होता है अंदर, है ना, और इपी का मतलब होता है बाहर. इंडो का मतलब होता है अंदर, अंदर. आउटर मोस्ट लेयर, सॉरी, इनर मोस्ट लेयर होगी वो हमारी, वो एंडोडर्मिस होगी. इट्स कंप्राइज ए सिंगल लेयर ऑफ वायरल शेप सेल विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस, ये होती है जो. इट कंप्राइज ए सिंगल लेयर वायरल शेप स्ट्रक्चर विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस, ये एक सेल कंप्राइज करती है जिसमें कि इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है. द टेंजेंशियल एज वेल एज रेडियल वॉल ऑफ द एपिडर्मल सेल हैव ए डिपोजिशन ऑफ वाटर इम्परमेबियस, इसमें वाटर इम्परमेबल होता है, वैक्सी मटेरियल होती है जो कि सुवेरिन की बनी होती है, जिसको हम कैस्पेरियन स्ट्रिप बोलते हैं. इस पैराग्राफ का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो हमारा यही है. क्वेश्चन अगर यहाँ से इस पैराग्राफ से आएगा तो हमसे सिर्फ यही पूछता है कि इंडोडर्मिस में कौन सी स्ट्रिप पाई जाती है जो कि वाटर के लिए इम्परमेबियस है, यानी वाटर की परमिशन नहीं देती है, ठीक है, क्रॉस होने के लिए. वो हमारी है कैस्पेरियन स्ट्रिप. 2017 में यहाँ से क्वेश्चन आया था, नीट 2017 में यहाँ से क्वेश्चन आया था, और हर साल अल्टरनेट
एक साल दो साल छोड़ के क्वेश्चन यहाँ से आते रहते हैं, कैस्पियन स्ट्रिप क्या होती है, कहाँ पे पाई जाती है, इसका काम क्या होता है, ये सारे सारे क्वेश्चन आते रहते हैं यहाँ से, जो कि हमारी होती है, ये क्या होती है, ये हमारी होती है वाटर इम्परमिसिबल होती है, वैक्सी मटेरियल होती है, सुवेरिन की बनी होती है, सुवेरिन जो होता है हमारा ये इम्परमिबियस टू वाटर होता है, ठीक है, और ये हमारी कैस्टियन स्ट्रिप बनाती है जो कि हमारी इंडोडर्मिस में पाई जाती है। नेक्स्ट टू इंडोडर्मिस लाइज ए फ्यू लेयर ऑफ थिक वॉल्ड पैरेंकाइमेटस सेल रिफर टू एज पेरिसाइकिल, है ना, जो हमारी इंडोडर्मिस के बाद जो होती है एक थिक लेयर होती है पैरेंकाइमेटस सेल की बनी होती है, जिसको हम पेरिसाइकिल बोलते हैं, है ना। इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट एंड वास्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस इन दिस सेल, है ना। यहाँ से हमारा क्या है, जो हमारा लेटरल रूट बनती है और वास्कुलर कैम्बियम बनता है ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ के, तो हमारा यहीं से बनता है पेरिसाइकिल से, ठीक है। द पिथ इज स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिस्कियस, है ना, यहाँ की जो पिथ होती है यानी डाइकॉट रूट की जो पिथ होती है वो स्मॉल होती है और इनकॉन्स्पिकस होती है, ठीक है, मतलब वो सही से नहीं दिखती है, यानी अच्छी तरह से उसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, उसकी जो पिथ होगी वो स्मॉल होगी और अस्पष्ट होती है, इसको हिंदी में बोलेंगे अस्पष्ट, ठीक है, अस्पष्ट बोलते हैं, ठीक है। द पैरेंकाइमेटस सेल विच लाइज बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम आर कॉल्ड कंजॉइंट टिश्यू, है ना, जो पैरेंकाइमेटस सेल होती हैं जाइलम और फ्लोएम के बीच में होती हैं उसको हम कंजक्टिव टिश्यू बोलते हैं, है ना, उसको हम जो कंजक्टिव मतलब था हमने अभी पिछले देखा था कंजॉइंट, है ना, तो मतलब जाइलम और फ्लोएम बीच में पाए जाएंगे, दोनों साथ में पाए जाएंगे, तो उसी तरह का कंजक्टिव टिश्यू है, ठीक है। दीज आर यूजली टू फोर जाइलम एंड फ्लोएम पैचेज, यहाँ पे जो होते हैं हमारे डाइकॉट में होते हैं, डाइकॉट रोड में हमारे होते हैं जाइलम के पैचेज कितने हैं, जाइलम और फ्लोएम के पैचेज 2 से 4 जाइलम के पैचेज पाए जाएंगे। लेटर कैम्बियम रिंग डेवलप बिटवीन द जाइलम और फ्लोएम, जो हमारी कैम्बियम रिंग होती है जो कि हमारी सेकेंडरी ग्रोथ कॉज कराती है, वो हमारे जाइलम और फ्लोएम के बीच में डेवलप हो जाती है बाद में। ऑल टिश्यू ऑन द इनर साइड ऑफ द इंडोडर्मिस सच एज पेरिसाइकिल वास्कुलर बंडल, है ना, ये हमारे क्या है, सारे के सारे टिश्यू इनर साइड ऑफ द इंडोडर्मिस के अंदर के जो हमारे टिश्यू होते हैं सच एज पेरिसाइकिल वास्कुलर बंडल एंड पिट, ये हमारे स्टाइल में आते हैं ना, हमारी स्टाइल जो होती है ये स्टाइल के अंदर क्या क्या आते हैं हमारे, ये हमारे आते हैं पेरिसाइकिल आते हैं, वास्कुलर बंडल आते हैं और पिट आते हैं, ये हमारे स्टाइल मिलके बनाती है कंस्टिट्यूट स्टाइल, है ना। ये हमको डाइकॉट रूट के बारे में मैंने देख लिया, डाइकॉट रूट का हमको फिगर दिया गया है, यहाँ पे मोनोकॉट रूट का फिगर दिया गया है, पहले हम दोनों पढ़ लेते हैं उसके बाद हम फिगर देखेंगे। हम देखते हैं मोनोकॉट रूट के बारे में देखते हैं, मोनोकॉट क्या होते हैं, जिसमें एक कॉटिलेडॉन हो, है ना, मोनोकॉट डाइकॉट के बारे में मैंने आपको बताया था मॉर्फोलॉजी में, ठीक है। द एनाटमी ऑफ द मोनोकॉट रूट इज सिमिलर टू डाइकॉट रूट, यानी एनाटमी जो होती है इसकी मोनोकॉट रूट की वो हमारी सिमिलर होती है डाइकॉट रूट की, इन मेनी रेस्पेक्टेड, बहुत सारी चीज़ों में एनाटमी डाइकॉट की मोनोकॉट की सेम होती है। इट है इसमें एपिडर्मिस होगा, कॉर्टेक्स होगा, एंडोडर्मिस होगा और पेरिसाइकिल होगा, है ना। तो हमारा आउटर टू इनर अगर हमसे पूछा जाए, ऑर्डर पूछा जाए, तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, एपिडर्मिस आएगा, ठीक है, फिर हमारा कॉर्टेक्स आएगा, फिर उसके बाद हमारा इंडोडर्मिस आएगा, इंडोडर्मिस के बाद जो हमारा आएगा वो आएगा हमारा पेरिसाइकिल। अगर हमसे इसका ऑर्डर पूछवा लिया गया, ऑर्डर क्वेश्चन में पूछ लिया कि इसका ऑर्डर लगाओ, है ना, कि एपिडर्मिस पहले आता है या कॉर्टेक्स पहले आता है, तो हम ऑर्डर क्या होगा हमारा, पहले एपिडर्मिस आएगा जो आउटर मोस्ट होगा, फिर कॉर्टेक्स आएगा, फिर इंडोडर्मिस आएगा। इंडोडर्मिस में जो हमारी थी एक चीज़ पाई जा रही थी कैस्पेरियन स्ट्रिप, है ना, जो सुवेरिन की बनी हुई थी जो वाटर को इम्परमीबियस मतलब वाटर उसके पास नहीं हो रहा था, ठीक है, और जो उसके बाद थी हमारी पेरिसाइकिल थी, है ना। तो हमारे एनाटमी ऑफ मोनोकॉट रूट इज सिमिलर टू डाइकॉट इन मेनी रिस्पेक्टेड, यानी हमारे बहुत सारी चीज़ों में डाइकॉट की एनाटमी और मोनोकॉट रूट की एनाटमी सेम होती है। इट इज एपिडर्मिस, इसमें एपिडर्मिस होती है, कॉर्टेक्स होती है, इंडोडर्मिस होती है, पेरिसाइकिल होती है, वास्कुलर बंडल और पिथ होते हैं, है ना।
तुम्हारा एज कंपेयर टू द डाइकॉट रूट विच हैज फीवर जाइलम बंडल, यानी डाइकॉट में जो हमारे कम जाइलम बंडल पाए जा रहे थे, देयर आर यूजली मोर देन सिक्स। अगर मोर देन सिक्स, वहाँ से वहाँ तो डाइकॉट में हमारे दो से चार जाइलम बंडल पाए जा रहे थे, है ना, दो से चार वास्कुलर बंडल पाए जा रहे थे, बट यहाँ पे क्या है हमारे पॉली आर्च कंडीशन है ना, पॉली आर्च क्या है, देयर आर यूजली मोर देन सिक्स। मोर देन सिक्स होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, पॉली आर्च जाइलम बंडल, है ना, इन मोनोकॉट मोनोकॉट रूट में जो होती है पॉली आर्च कंडीशन पाई जाती है। पिथ इज लार्ज, वहाँ का जो पिथ था डाइकॉट में पिथ था वो हमको सही से स्पष्ट तरीके से नहीं दिख रहा था, स्मॉल था, ठीक है, बट यहाँ पे जो हमारा मोनोकॉट में पिथ जो है हमारा लार्ज है एंड वेल डेवलप और अच्छे से डेवलप है, है ना, अच्छे से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मोनोकॉट रूट डू नॉट अंडरगो सेकेंडरी ग्रोथ, मोनोकॉट रूट जो हमारी सेकेंडरी ग्रोथ में क्यों नहीं जाती है, मोनोकॉट रूट डू नॉट अंडरगो सेकेंडरी ग्रोथ बिकॉज इसमें जो कैम्बियम होती है वो एब्सेंट होती है, कैम्बियम एब्सेंट, कैम्बियम जो होती है इसमें एब्सेंट होती है, इसलिए हमारी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करती है, ठीक है। इसमें जो होती है वास्कुलर बंडल जो हमारे पाए जा रहे थे डाइकॉट में, उसमें दो से चार पाए जा रहे थे, बस इसमें जो है मोर देन सिक्स पाए जा रहे हैं, यानी पॉली आर्च कंडीशन पाई जा रही है। इस जो हमारा डाइकॉट रूट का जो था पिथ था वो स्मॉल था और अस्पष्ट था, मतलब वो सही से डेवलप नहीं था, बट यहाँ पे मोनोकॉट में जो है इसमें पिथ जो है वो लार्ज है और वेल डेवलप है, है ना। जो हमारे डाइकॉट रूट थी वो हमारी सेकेंडरी ग्रोथ जा रही थी, यानी इसमें कैम्बियम रिंग पाई जा रही थी, बट इसमें जो है हमारी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो रही, इसमें कैम्बियम रिंग नहीं पाई जाएगी, ठीक है। अब इसके हम ये मैंने डाइकॉट और मोनोकॉट रूट के बारे में देख लिया, और उसके हम टी एस सेक्शन जो ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ फिगर दिया गया है तो हम दोनों के बारे में देख सकते हैं, ठीक है। पहला जो हमको फिगर दिया गया है डाइकॉट का दिया गया है, ये डाइकॉट का हमको फिगर दिया गया है, ठीक है। ये हमको रूट हेयर दिखाए गए हैं, ये एपिडर्मल ग्रोथ होते हैं, है ना, इसको हम एपिब्लेमा बोलते हैं। ये एपिडर्म इसको हम क्या बोलते हैं, इसके केस में एपिब्लेमा बोलते हैं, ठीक है। रूट के केस में हम एपिडर्म इसको क्या बोलते हैं, रूट के केस में एपिडर्म इसको क्या बोलते हैं, एपिब्लेमा, एपिब्लेमा मैंने अभी देखा था टेस्ट में, ठीक है। ये रूट हेयर होते हैं हमारे यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। ये हमारा एपिडर्मिस के बाद क्या है, हमारा एपिडर्मिस के बाद हमारा आया कॉर्टेक्स, ठीक है। कॉर्टेक्स के बाद हमारा आया इंडोडर्मिस, यहाँ पे हमारी कैस्पेरियन स्ट्रिप पाई जा रही थी, कैस्पेरियन स्ट्रिप पाई जा रही थी हमारी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद एपिडर्मिस के बाद आया हमारा पेरिसाइकिल आया, है ना, जो सबसे अंदर पाई जा रही थी पेरिसाइकिल, ठीक है। इसके बाद हमारी प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, हमारे प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, है ना, प्रोटोजाइलम हमारे थे वो हमारे कहाँ थे, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम हमारे दिखाए गए हैं, यानी रूट का केस है तो यहाँ पे हमारे क्या होगा, एग्जार्च कंडीशन होगी, ठीक है, एग्जार्च कंडीशन होगी, यानी जो हमारे मेटाजाइलम होंगे वो अंदर की तरफ होंगे और प्रोटोजाइलम होंगे बाहर की तरफ होंगे, इसके हम कंडीशन को एग्जार्च कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। और जो हमारा पिथ होगा, पिथ जो डाइकॉट में था उतने अच्छे से वेल डेवलप नहीं था, स्मॉल था, अच्छे से डेवलप नहीं था, और ये हमारा फ्लोएम पाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, और जो हमारा डाइकॉट में क्या देखते हैं, इनमें जो रूट हेयर होते हैं ना, डाइकॉट रूट में हमको रूट हेयर ज़्यादा देखने को मिलते हैं, बट हमारे मोनोकॉट में जो होते हैं रूट हेयर कम देखने को मिलते हैं। कभी कभी हमको फिगर दे देता है और हमको बोलेगा ये हमारा डाइकॉट का फिगर है या मोनोकॉट का फिगर है, तो हमको फिगर भी अच्छे से याद होना चाहिए, यहाँ पे इसमें डिफरेंसेस हमको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो डाइकॉट रूट में है इसमें रूट हेयर ज़्यादा है, ठीक है, और इसका जो पिथ है वो स्मॉल है, ठीक है। और इसमें रूट का केस है तो एग्जार्स कंडीशन तो होगी, यानी प्रोटोजाइलम जो होंगे वो प्रोटोजाइलम जो होंगे वो बाहर की तरफ होंगे, मेटाजाइलम जो होंगे वो अंदर की तरफ होंगे, इस कंडीशन को हम एग्जार्स कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। अब हमारे जो मोनोकॉट रूट का हमको एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ फिगर दिया गया है, यहाँ पे हमारे रूट हेयर जो हैं वो कम पाए जा रहे हैं, डाइकॉट में ज़्यादा पाए जा रहे हैं, एपिडर्मिस है, यहाँ पे कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकिल सब कुछ सेम है, ठीक है। यहाँ पे फ्लोएम है, यहाँ पे प्रोटोजाइलम है और मेटाजाइलम, इसमें भी एग्जार्स कंडीशन होगी, इसमें जो पिथ है हमको वो वेल डेवलप दिख रहा है, ठीक है, पिथ जो है वो अच्छे से दिख रहा है, वेल डेवलप दिख रहा है, ठीक है। ये हमारा हो गया एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट और मोनोकॉट रूट। अब हम देखते हैं डाइकॉट स्टेम के बारे में, है ना, डाइकॉट स्टेम के बारे में देखते हैं हम। डाइकॉट स्टेम क्या है हमारा, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ ए टिपिकल यंग डाइकॉट स्टेम सौ एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर। जो हमारा एपिडर्मिस होगा वो हमारा आउटर मोस्ट होगा प्रोटेक्टिव लेयर होगा ऑफ स्टेम, ठीक है।
एपिडर्मिस जो होगा जो बाहर होगा वो प्रोटेक्शन का ही काम करेगा, एपिडर्मिस जो होगा हमारा प्रोटेक्शन का काम करेगा। इसका फिगर दिया है 6.7 में, हम आगे चल के देखेंगे इसके बाद में, ठीक है। जो हमारा होता है एपिडर्मिस कवर भी थे थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल, जो हमारा एपिडर्मिस में होगा इसमें भी थिन लेयर होगी, क्यूटिकल की भी नहीं होगी, ठीक है। इट में भी बियर ट्राइकोम्स, जो हमारे रूट में थे रूट हेयर पाए जा रहे थे, बट स्टेम में क्या थे हमारे, स्टेम में हमारे ट्राइकोम पाए जा रहे थे, जो कि हमारे मल्टीसेलुलर होते हैं। ये भी हमारा ट्राइपाइरेशन को लॉस, जो वाटर लॉस होता है उसको रोकते हैं, क्योंकि इसमें भी क्यूटिकल की कवरिंग होती है, ठीक है, वैक्सी कवरिंग होती है। इट में भी बियर ट्राइकोम एंड फ्यू स्टोमेटा, है ना, इसमें ट्राइकोम्स होते हैं कुछ स्टोमेटा होते हैं। द सेल अरेंज इन मल्टीपल लेयर बिटवीन द एपिडर्मिस एंड पेरिसाइकिल कंस्टिट्यूट द कॉर्टेक्स, है ना। इसकी जो सेल अरेंज होती है मल्टीपल लेयर में अरेंज होती है बिटवीन द एपिडर्मिस एंड पेरिसाइकिल, और वो मिलकर हमारी बनाती हैं कॉर्टेक्स, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ थ्री सब जोन, इसमें तीन सब जोन होते हैं। द आउटर को बोलते हैं हम हाइपोडर्मिस, जो हाइपोडर्मिस होता है हमारा। इट कंसिस्ट ऑफ थ्री सब जोन, द आउटर, आउटर को बोलते हैं हाइपोडर्मिस। कंसिस्ट ऑफ फ्यू लेयर ऑफ कोलन काइमेटा सेल, जो हमारी कोलन काइमेटा सेल होती हैं, कोलन काइमेटा सेल जो होती हैं हमारी, इसमें कुछ सेल होती हैं जो हमारी जो की हेल्प करती हैं हमारी इसमें मैकेनिकल सपोर्ट में, मैकेनिकल सपोर्ट में कोलन काइमेटा सेल क्यों हैं, क्योंकि ये हमारा डाइकॉट है, ठीक है। डाइकॉट स्टेम के बारे में हम देख रहे हैं, हाइपोडर्मिस में पाई जाती है हमारी कोलन काइमेटा सेल, वो हमारी मैकेनिकल सपोर्ट करती हैं, है ना। जो हमारी स्क्लेरल काइमेटा सेल होती है वो मोनोकॉर्ड में पाई जाती हैं, वो हमारी, वो भी हमारी मैकेनिकल सपोर्ट का काम करती हैं, बट वो मोनोकॉर्ड में पाई जाती हैं, ठीक है। द आउटर आउटर हाइपोडर्मिस कंसिस्ट ऑफ ए फ्यू लेयर कोलन काइमेटा सेल जस्ट बिलो द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे होगा तो वो हाइपोडर्मिस कहलाएगा, ठीक है, जस्ट बिलो द एपिडर्मिस। विच प्रोटेक्टेड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, जो कि हमारे मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती हैं यंग स्टेम को, है ना। कॉर्टिकल लेयर, इसके बाद हमारा क्या है, कॉर्टिकल लेयर बिलो द हाइपोडर्मिस, है ना। हाइपोडर्मिस के नीचे जो होती है हमारी कॉर्टिकल लेयर होती हैं, जो हाइपोडर्मिस के नीचे होती हैं हमारी वो क्या होती हैं, कॉर्टिकल लेयर होती हैं बिलो द हाइपोडर्मिस। कंसिस्ट ऑफ राउंड थिन वॉल पैरेन्काइमेटस सेल, कॉन्स्पिकस इंट्रासेलुलर स्पेस, जो हमारी हाइपोडर्मिस के नीचे जो होती हैं हमारी कॉर्टिकल लेयर होती हैं, जो कि हमारी राउंडर होती हैं, थिन वॉल्ड होती हैं, और उसमें पैरेन्काइमेटस सेल होती हैं, जो जिसमें कि स्मॉल इंट्रासेलुलर स्पेस होता है, ठीक है। द इनर लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स इज कॉल्ड इंडोडर्मिस, और जो हमारी कॉर्टेक्स से अंदर की लेयर होती है इसको हम इंडोडर्मिस बोलते हैं, कॉर्टेक्स के अंदर की लेयर को हम इंडोडर्मिस बोलते हैं। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज कॉल्ड इंडोडर्मिस, ठीक है। यानी जो हमारी एपिडर्मिस के नीचे थी उसको हम हाइपोडर्मिस बोलते थे, ठीक है, और जो हमारी हाइपोडर्मिस के नीचे थी उसको हम कॉर्टिकल लेयर बोलते हैं, ठीक है, और इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स को हम इंडोडर्मिस बोलते हैं, ठीक है। द सेल ऑफ इंडोडर्मिस आर रिच इन स्टार्च ग्रेन, जो हमारी इंडोडर्मिस की सेल होती हैं वो स्टार्च ग्रेन यानी स्टार्च पाया जाएगा। एंड लेयर इज आल्सो रिफर टू एज स्टार्च सीथ, और उस लेयर को हम स्टार्च सीथ बोलते हैं, ठीक है। तो हमारी ये हमारा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। द सेल ऑफ इंडोडर्मिस रिच इन स्टार्च ग्रेन, स्टार्च ग्रेन रिच होती हैं, एंड लेयर आल्सो रिफर टू एज स्टार्च सीथ, और इस लेयर को हम स्टार्च सीथ बोलते हैं। जो हमारा पेरिसाइकिल होता है, उसके बाद हमको क्या दिखाया गया है, पेरिसाइकिल होता है, जो पेरिसाइकिल प्रेजेंट ऑन इनर साइड ऑफ द इंडोडर्मिस, जो हमारा पेरिसाइकिल होता है वो अंदर की साइड प्रेजेंट होगा इंडोडर्मिस से, क्योंकि पेरिसाइकिल जो होता है सबसे अंदर ही पाया जाता है। बाहर हमारा एपिडर्मिस पाया जाता है, कॉर्टेक्स पाया जाता है, इंडोडर्मिस पाया जाता है, फिर पेरिसाइकिल पाया जाता है। पेरिसाइकिल जो होगा सबसे अंदर होगा, उसके बाद हमारे जेलम और फ्लोएम पाए जाएंगे, है ना, वास्कुलर बंडल पाए जाएंगे। जो होता है द इनर साइड ऑफ द इंडोडर्मिस एंड अबव द फ्लोएम इन विच फॉर्म ए सेमी लूनर पैचेज, सेमी लुलर पैचेज होते हैं ऑफ स्क्लेरल काइमेटा, है ना, स्क्लेरल काइमेटा के सेमी लुलर पैचेज यानी अर्धचंद्राकार, सेमी लुलर का मतलब होता है अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार, चंद्राकार यानी आधे चंद्रमे के आकार के इस टाइप के, है ना, सेमी लुलर स्क्लेरल काइमेटा के पैचेज होते हैं। इन बिटवीन द वास्कुलर बंडल देयर आर फ्यू लेयर्स ऑफ रेडियल प्लेस पैरेन्काइमेटस सेल विच कंस्टिट्यूट द मेडुलरी रेस, इसमें क्या होता है,
कुछ वास्कुलर बिटवीन वास्कुलर बंडल के बीच में फ्यू लेयर ऑफ रेडियल प्लेस पैरेन्काइमेटस सेल होती हैं जो कि बनाती है हमारी मेडुलरी रेस, है ना, जो हमारी वास्कुलर बंडल के बीच में कुछ लेयर्स होती हैं रेडली प्लेस होती हैं पैरेन्काइमेटस सेल की, जो कि हमारी मेडुलरी रेस बनाती हैं, यानी हमारी मेडुलरी रेस बनती है हमारी पैरेन्काइमेटस सेल से, ये हम याद रखेंगे, ठीक है। ए लार्ज नंबर ऑफ वास्कुलर बंडल आर अरेंज इन ए रिंग, है ना, एक लार्ज नंबर ऑफ वास्कुलर बंडल होता है अरेंज होता है रिंग में, द रिंग अरेंजमेंट ऑफ वास्कुलर बंडल इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइकॉट स्टेम, है ना। अभी आपको एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट बताते हैं, यहाँ पे जो होता है इसको हम पहले पढ़ते हैं। ए लार्ज वास्कुलर बंडल आर अरेंज इन रिंग, रिंग अरेंजमेंट वास्कुलर बंडल इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइकॉट स्टेम, यानी जो हमारा रिंग एक्सपेरिमेंट एक होता है रिंग गर्डल एक्सपेरिमेंट होता है वो हमारे डाइकॉट स्टेम में होता है, है ना, डाइकॉट स्टेम में परफॉर्म होता है, वो मोनोकॉट स्टेम में परफॉर्म नहीं होता है। क्यों परफॉर्म नहीं होता है? क्योंकि हमारे यहाँ पे वास्कुलर बंडल होते हैं जो हमारे एक रिंग में अरेंज होते हैं, डाइकॉट स्टेम में हमारे वास्कुलर बंडल होते हैं एक रिंग में अरेंज होते हैं, बट मोनोकॉट में ऐसा नहीं देखा जा सकता है। तो इसलिए हमारे डाइकॉट में जो होता है रिंग गर्डल एक्सपेरिमेंट होता है, रिंग गर्डल एक्सपेरिमेंट होता है वो परफॉर्म होता है, यानी परफॉर्म किया जा सकता है, यानी परफॉर्म होता है, ठीक है, बट मोनोकॉट में वो नहीं होता है। रिंगिंग एक्सपेरिमेंट डाइकॉट स्टेम में होता है, मोनोकॉट स्टेम में नहीं होता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन आता है, ईच वास्कुलर बंडल इज कंजॉइंट, जो प्रत्येक वास्कुलर बंडल होता है कंजॉइंट होता है, ओपन टाइप होता है, कंजॉइंट होगा यानी जाइलम और फ्लोएम साथ साथ पाए जाएंगे, ओपन का मतलब होगा उसमें वहाँ पे कंजॉइंट होगा यानी जाइलम और फ्लोएम साथ साथ पाए जाएंगे, ओपन का मतलब वहाँ पे कैम्बियम पाई जाएगी, ठीक है, वहाँ पे कैम्बियम रिंग पाई जाएगी, है ना, कैम्बियम पाई जाएगी, कैम्बियम पाई जाएगी तो सेकेंडरी ग्रोथ होगी, इसलिए इसको हम ओपन बोलते हैं। एंड विथ इंडार्ज प्रोटोजाइलम, है ना, और इंडार्ज प्रोटोजाइलम बोलते हैं, इंडार्ज प्रोटोजाइलम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारा जो था यस्टडी स्टेम में था जो हमारा इंडार्ज कंडीशन पाई जा रही थी, ठीक है, मैंने आपको बताया था। ए लार्ज नंबर ऑफ राउंडेड पैरेन्काइमेटस सेल विथ लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस विच ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोर्शन ऑफ स्टेम कंस्टिट्यूट द पिथ, अब हमारा जो स्टेम में भी पिथ पाई जाती है, रूट में भी पिथ पाई जाती है, तो इसमें क्या है, ए लार्ज नंबर ऑफ द राउंडेड पैरेन्काइमेटस सेल जिसमें कि लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होता है जो कि हमारा सेंट्रल पोर्शन ऑक्यूपाई करती हैं, वो हमारी क्या बनाती हैं, पिथ बनाती हैं। तो मतलब पिथ हमारा कैसे बनता है, तो हमारे लार्ज नंबर ऑफ राउंडेड सेल पैरेन्काइमेटस सेल होती हैं, लार्जेस्ट पैरेन्काइमेटस सेल होती हैं, राउंड होती हैं, इसमें लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होता है जो कि हमारा सेंट्रल पोर्शन ऑक्यूपाई करती हैं, वो हमारी बनाती हैं पिथ, ठीक है, ये हम इतनी चीज़ें याद रखेंगे। अब उसके बाद मोनोकॉट डाइकॉट स्टेम हो गया, अब हम मोनोकॉट स्टेम के बारे में देखते हैं। मोनोकॉट स्टेम क्या होता है, मोनोकॉट स्टेम में क्या हमारा स्क्लेरल काइमेटा पाया जाएगा, क्योंकि हमने बताया था आपको कोलन काइमेटा होता है वो डाइकॉट में पाया जाता है, जो पैरेंट काइमेटा होता है वो मोनोकॉट डाइकॉट दोनों में पाया जाता है, पर जो स्क्लेरल काइमेटा होता है वो सिर्फ हमारा मोनोकॉट में पाया जाता है, वो भी स्टेम में पाया जाता है, ठीक है, और स्टेम की वो भी हाइपोडर्मिस में पाया जाता है। द मोनोकॉट स्टेम इज स्क्लेरल काइमेटा, मोनोकॉट स्टेम तो स्क्लेरल काइमेटास होता है, हाइपोडर्मिस में पाया जाता है। ए लार्ज नंबर ऑफ स्केटर्ड वास्कुलर बंडल, इसमें गर्डल एक्सपेरिमेंट इसलिए परफॉर्म नहीं होता है क्योंकि इसके जो वास्कुलर बंडल होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं, बट हमारे जो डाइकॉट के वास्कुलर बंडल होते हैं एक वो हमारे रिंग में अरेंज होते हैं, ठीक है, इसलिए वहाँ पे रिंग गर्डल एक्सपेरिमेंट पॉसिबल होता है, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट रिंग वाला पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि यहाँ के वास्कुलर बंडल हैं वो स्कैटर्ड हैं, ठीक है। ईच सराउंडेड बाई ए स्क्लेरल काइमेटस, जो प्रत्येक वास्कुलर बंडल होते हैं वो सराउंडेड होते हैं स्क्लेरल काइमेटस बंडल सीस से, एंड ए लार्ज और एक लार्ज कॉन्स्पिकियस पैरेन्काइमेटस, कॉन्स्पिकियस मतलब स्पष्ट, स्पष्ट इनकॉन्स्पिकियस मतलब अस्पष्ट, ठीक है, कॉन्स्पिकियस पैरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू, है ना, हमारे क्या होते हैं मोनोकॉट स्टेम होते हैं, स्क्लेरल काइमेटस हाइपोडर्मिस से होते हैं, ए लार्ज नंबर ऑफ द स्केटर वास्कुलर बंडल होता है जो कि ईच वास्कुलर बंडल सराउंडेड बाय स्क्लेरल बंडल सीस से होता है, सराउंडेड होता है, ए लार्ज कंसिपिकियस मतलब स्पष्ट पैरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू होता है, वास्कुलर बंडल आर कंजॉइंट होता है, कंजॉइंट होता है यानी जाइलम और फ्लोएम पाए जाएंगे साथ साथ में, जाइलम और फ्लोएम पाए जाएंगे बट क्या होगा क्लोज होगा, कैम्बियम जो होगी वो एब्सेंट होगी, इसलिए इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है।
पेरीफेरल वास्कुलर बंडल आर जनरली स्मॉलर, यानी पेरीफेरल यानी बाहर के जो वास्कुलर बंडल होते हैं, मान लो पेरीफेरी हमसे बोला तो मतलब ये पेरीफेरी, ये सेंट्रल हो गया, तो यहाँ पे जो वास्कुलर बंडल होंगे, यहाँ पे जो वास्कुलर बंडल होंगे, यहाँ पे पेरीफेरी पे जो वास्कुलर बंडल होंगे वो सेंट्रल की अपेक्षा स्मॉल होंगे, ठीक है। पेरीफेरल वास्कुलर बंडल जनरली स्मॉलर देन द सेंट्रली लोकेटेड वन, यानी सेंटर से जो लोकेटेड होते हैं वास्कुलर बंडल वो उसकी अपेक्षा पेरीफेरी वाले स्मॉल होंगे। तब फ्लोएम पैरेन्काइमा अब्सेंट, इनमें जो होगा फ्लोएम पैरेन्काइमा अब्सेंट होगा एंड वाटर कंटेनिंग कैविटी आर प्रेजेंट विद इन द वास्कुलर बंडल, और वास्कुलर बंडल में जो होता है वाटर कंटेनिंग कैविटी होगी वो प्रेजेंट पाई जाएगी, प्रेजेंट होगी, और इसमें जो होंगे फ्लोएम पैरेन्काइमा जो होंगे इसमें अब्सेंट होंगे, किसमें मोनोकॉट स्टेम में फ्लोएम पैरेन्काइमा अब्सेंट होंगे, इसमें वाटर कंटेनिंग कैविटी पाई जाएगी, ठीक है। इसमें रिंग गर्डल एक्सपेरिमेंट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वास्कुलर बंडल जो होंगे वो स्कैटर्ड होते हैं, जो इसके पेरीफेरी वाले वास्कुलर बंडल होते हैं वो स्मॉलर होते हैं, देंस पिट यानी सेंट्रली लोकेटेड होते हैं, ठीक है। इसकी जो होती है मोनोकॉट स्टेम में स्क्लेरेंकाइमेट्रस हाइपोडर्मिस होती है, इसमें लार्ज स्कैटर वास्कुलर बंडल होते हैं जो कि हमारे स्क्लेरेंकाइमेट्रस बंडल से इसे सराउंडेड होते हैं, इनका जो होता है लार्ज कॉन्स्पिकियस पैरेन्काइमेटर ग्राउंड टिश्यू होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम याद रखेंगे इसके बारे में। अब इसका हम फिगर देख लेते हैं। टीयर सेक्शन ऑफ स्टेम डाइकॉट और मोनोकॉट दोनों को हमको दिखाए गए हैं, ठीक है। हमको डाइकॉट का दिखाया गया है, फिर हमको मोनोकॉट का दिखाया गया है। अब इसमें हमको एपिडर्मिस भी दिखाई गई है, ठीक है, एपिडर्मिस दिखाई गई हमको, ठीक है। उसके बाद हमको कोलेनकाइमा दिखाया गया है। कोलेनकाइमा जो होता है हमारा, वो हमारा मैकेनिकल सपोर्ट में हेल्प करता है। और पैरेन्काइमेटा जो होते हैं हमारे, पैरेन्काइमेटा जो हमको ग्रीन दिखाए गए हैं हमारे फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेंगे, सिक्रीशन में करेंगे, स्टोरेज में हेल्प करेंगे। उसके बाद हमको इंडोडर्मिस दिखाई गई, एपिडर्मिस के बाद हमारी जो है इंडोडर्मिस है, ये हमारी इंडोडर्मिस है। इंडोडर्मिस के बाद हमारी पेरिसाइकिल होगी, है ना, ये हमारे फ्लोएम हो गए, ये फ्लोएम हो गए, ये हमारी कैम्बियम है, कैम्बियम है जिसलिए हमारी ये सेकेंडरी ग्रोथ होगी, है ना। और ये हमारा मेटाजाइलम हो गया, और ये हमारा प्रोटोजाइलम हो गया। जो मेटाजाइलम हमारा है वो हमारा सेंटर की तरफ है, मेटाजाइलम हमारा सेंटर की तरफ है, प्रोटोजाइलम हमारा जो है जो हमारा प्रोटोजाइलम है वो हमारा सेंटर की तरफ है, जो मेटाजाइलम हमारा वो हमारा पेरीफेरी की तरफ है। तो यानी इस कंडीशन को बोलते थे एसटीडी, हमारा जो था प्रोटोजाइलम जो हमारा सेंटर की तरफ था और हमारा मेटाजाइलम जो था हमारा वो पेरीफेरी की तरफ था, इसको इस कंडीशन को बोलते थे इंडार्ज कंडीशन, ठीक है। इंडार्ज कंडीशन हमारे स्टेम में पाई जाती थी, सॉरी फॉर एपोलॉज। सो इसमें जो था हमारा इंडार्ज कंडीशन पाई जाती है, और हमारे ये पिथ है, ठीक है, कैम्बियम है, इसलिए हमारा सेकेंडरी ग्रोथ इसमें होगी। इसका हमको टीयर सेक्शन दिखाया गया है, इसमें एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, उसके बाद पैरेन्काइमेटा सेल, इंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, ये हमको वास्कुलर बंडल दिखाए गए हैं। वास्कुलर बंडल एक रेडियाई पे अरेंज है, है ना, एक रेडियाई पे अरेंज है, रिंग पे अरेंज है। तो इसमें इसलिए हमारी ये पैरेन्काइमेटा जो सेल थी हमारी मेटाबोलिक रेस बना रही थी, इसमें जो हमको पिथ दिखाया गया है, ठीक है, सेंट्रल पिथ होता है। और ये इसमें रिंग गर्डल एक्सपेरिमेंट पॉसिबल होता है, क्योंकि सारे वास्कुलर बंडल जो हैं एक रिंग पे अरेंज हैं, ठीक है। अब हमको दिखाया गया है इस ये मोनोकॉट का, ठीक है, मोनोकॉट स्टेम का। मोनोकॉट स्टेम में हमको एपिडर्मिस दिखाया गया, एपिडर्मिस नीचे जो होती है हाइपोडर्मिस होती है। उसके बाद हमको वास्कुलर बंडल दिखाए गए, ठीक है, वास्कुलर बंडल दिखाए गए, फ्लोएम हो गया, जाइलम हो गया, ये हमारे ग्राउंड टिश्यू दिखाए गए हमको। अब हमको इसमें देखते हैं टीयर सेक्शन में, जो हमको दिखाया गया तो वास्कुलर बंडल जो था हमारे पेरीफेरी वाले, यानी ये किनारे वाले जो थे, ये हमारे जो वास्कुलर बंडल थे ये हमारे छोटे थे और ज़्यादा संख्या में थे, यानी पेरीफेरी वाले स्मॉल थे, लार्ज इन नंबर थे, ठीक है, लार्ज इन नंबर, यानी जो चीज़ छोटे ही हैं वो ज़्यादा संख्या में है ना, और जो सेंटर वाले हैं ये देखो बड़े बड़े हैं, मतलब कम संख्या में, ठीक है। ये हमारा ग्राउंड टिश्यू दिखाया गया इसमें। तो हमारा मोनोकॉट स्टेम के बारे में देख लिया, है ना, मोनोकॉट और डाइकॉट स्टेम के बारे में देख लिया। अब हम देखते हैं डाइकॉट लीफ के बारे में, देखते हैं डाइकॉट लीफ क्या होती है, मोनोकॉट लीफ क्या होती है, उसकी एनाटॉमी के बारे में देखते हैं। डाइकॉट लीफ को हम बोलते हैं डॉर्सी वेंट्रल लीफ बोलते हैं, है ना, डॉर्सी वेंट्रल लीफ भी बोलते हैं हम डाइकॉट लीफ को।
तो क्या है, द वर्टिकल सेक्शन ऑफ डॉर्सी वेंट्रल लीफ थ्रू द लेमिना साउथ थ्री मेन पार्ट, है ना। यानी हम डॉर्सी वेंट्रल लीफ यानी डाइकॉट लीफ का जब हम सेक्शन करते हैं थ्रू लेमिना, है ना, तो हमको लेमिना जो होता है हम इसको लीफ फ्लेट बोलते हैं। हमने मार्फोलॉजी में आपको बताया था लेमिना को हम क्या बोलते थे, लीफ फ्लेट बोलते थे हम, ब्लेड, ठीक है, जिसमें वेन लीड पाई जा रही थी, मिडरीफ पाई जा रही थी, वो हमारा लेमिना था, ठीक है। द वर्टिकल सेक्शन ऑफ डॉर्सी वेंट्रल लीफ थ्रू द लेमिना साउथ थ्री मेन पार्ट, यानी डॉर्सी वेंट्रल लीफ का जब हम सेक्शन करते हैं, वर्टिकल सेक्शन करते हैं लेमिना से, तो हमको तीन मेन पार्ट दिखाई देते हैं। कौन कौन से तीन मेन पार्ट होते हैं हमको, एपिडर्मिस दिखाई देते हैं हमको, मीजोफिल दिखाई देते हैं, वास्कुलर सिस्टम दिखाई देते हैं हमको। द एपिडर्मिस जो होती है हमारी, वो हमारी क्या होती है, एपिडर्मिस डॉर्सी वेंट्रल लीफ है ना हमारी, तो हमारी बोथ साइड से कवर होगी, अपर एंड लोअर, है ना। द एपिडर्मिस विच कवर बोथ अपर सरफेस, अपर सरफेस को हम बोलते हैं एडेक्सियल, है ना, अपर सरफेस को एडेक्सियल बोलते हैं, एंड लोअर को हम बोलते हैं एबैक्सियल, है ना, अपर को हम बोलते हैं एडेक्सियल और हम लोअर को बोलते हैं एबैक्सियल। लोअर में हमको क्या आता है, लोअर, ठीक है, लोअर हिंदी में लिखेंगे सब समझ में आ जाएगा, लोअर, लोअर में होता है बी आ रहा है तो उसमें देख लेंगे, लोअर में हमारा बी आ रहा है तो हम एबैक्सियल में हमारा बी आ रहा है, ठीक है। द एपिडर्मिस विच कवर बोथ अपर सरफेस, यानी अपर सरफेस को हम एडेक्सियल सरफेस बोलते हैं, एडेक्सियल एपिडर्मिस बोलते हैं, एंड लोअर सरफेस को हम एबैक्सियल एपिडर्मिस बोलते हैं। ऑफ लीफ हैज कंस्पिक्यूअस क्यूटिकल, उसमें क्यूटिकल्स होते हैं, ठीक है। द एबैक्सियल एपिडर्मिस जनरली बियर द मोर स्टेमेटा, ठीक है, यानी इसमें क्या बोल रहे हैं, जो हमारी एबैक्सियल होती है यानी डाइकॉट लीफ में जो होती निचली सतह होती है यानी एबैक्सियल एपिडर्मिस होती है, उसमें हमारे स्टोमेटा होते हैं, मोर स्टोमेटा होते हैं देन एडेक्सियल एपिडर्मिस, यानी एडेक्सी डाइकॉट में एबैक्सियल एपिडर्मिस में ज़्यादा स्टोमेटा होते हैं देन एबैक्सियल, एबैक्सियल में यानी निचले वाली में हमारे ज़्यादा स्टोमेटा होते हैं देन एडेक्सियल एपिडर्मिस, ठीक है। द लेटर में इवन लैग स्टोमेटा, यहाँ तक कि इसमें स्टोमेटा नहीं भी हो सकते हैं, है ना, लोअर वाली में ज़्यादा होंगे, अपर वाली में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। द टिश्यू बिटवीन द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस इज कॉल्ड मीजोफिल, है ना, जो हमारे क्या होते हैं, टिश्यू बिटवीन अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो टिश्यू होंगे उनको हम मीजोफिल बोलेंगे। मीजोफिल विच प्रोसेस क्लोरोप्लास्ट, जो हमारे मीजोफिल होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट पाया प्रोसेस करते हैं, यानी उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, यानी लीफ में हमारा होता है क्लोरोप्लास्ट, और जो हमारी मीजोफिल सेल पाई जाती है वो हमारी लीफ में पाई जाती हैं, ठीक है। जो हमारे क्लोरोप्लास्ट होगा तो इसमें क्या होगा, फोटोसिंथेसिस भी करेंगे, यानी लीफ में हमारी मीजोफिल सेल पाई जाती है, मीजोफिल सेल में हमारी क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है, वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस हेल्प करेगा तो यानी वो खाना बनाएगा तो प्लांट की रिक्वायरमेंट को पूरी करेगा, ठीक है। फोटोसिंथेसिस मेड अप ऑफ द, ठीक है, फोटोसिंथेसिस होती है करियर फोटोसिंथेसिस, इट मेड अप द पेरेंट काइमेटा, पेरेंट काइमेटास होते हैं क्योंकि इसमें ग्रीन होते हैं, पेरेंट काइमेटा जो होते हैं वो ग्रीन होते हैं, ये ग्रीन होते हैं, ग्रीन होंगे तो क्लोरोप्लास्ट इसमें क्लोरोफिल होगा, ठीक है। इट इज टू टाइप ऑफ द सेल, है ना, इसमें टू टाइप ऑफ द सेल होती हैं, इसमें टू टाइप ऑफ द सेल होती हैं, फर्स्ट होती हैं पैलेसाइड पेरेंटकाइमा, पेरेंटकाइमा होता है उसमें टू टाइप ऑफ सेल होती हैं, पैलेसाइड पेरेंटकाइमा एंड स्पंजी पेरेंटकाइमा। पैलेसाइड पेरेंटकाइमा क्या होता है, स्पंजी पेरेंटकाइमा क्या होता है, वो हम इसी में देख लेंगे। द एडेक्सियल यानी अपर सरफेस, एडेक्सियल मतलब अपर सरफेस, ठीक है, अपर वाली एपिडर्मिस है। एडेक्सियल प्लेस्ड पैलेसाइड पेरेंटकाइमा इज मेड अप ऑफ द इलॉन्गेटेड सेल, यानी एडेक्सियल सरफेस में हमारी ऊपर वाली सरफेस में पैलेसाइड पेरेंटकाइमा होंगे, पैलेसाइड पेरेंटकाइमा जो होंगे वो हमारे इलॉन्गेटेड सेल से बनी होंगे, कॉलम नुमा सेल होंगे, यानी कॉलमनार सेल होंगे, पैलेसाइड पेरेंटकाइमा जो होंगे इलॉन्गेटेड होंगे, यानी ऐसे ऐसे होंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे ये हमारे जो होंगे पैलेसाइड पेरेंटकाइमा होंगे, ये हमारे पाए जाएंगे एडेक्सियल एपिडर्मिस में, है ना, एडेक्सियल में पाए जाएंगे यानी अपर वाली पे पाए जाएंगे। विच अरेंज इन वर्टिकली, यानी वो लंबे वर्टिकली होंगे, मैंने आपको बताया, एंड पैरेलल टू ईच अदर, और एक दूसरे के पैरेलल होंगे। द ओवल और राउंड एंड लूजी अरेंज स्पंजी पेरेंटकाइमा, जो हमारे स्पंजी पेरेंटकाइमा होंगे वो हमारे राउंड होंगे और ओवल होंगे, लूजली अरेंज होंगे,
इज सिचुएटेड बिलो द पैलेस सेट पैलेनकाइमा, है ना, ये पैलेस सेट के नीचे होंगे और ये ओवल होंगे और लूज अरेंज होंगे, स्पंजी होंगे, है ना, और जो कि कहाँ तक होते हैं, फैले होते हैं लोअर एपिडर्मिस, यानी स्पंजी पैलेनकाइमा जो होते हैं हमारे पैलेस सेट पैलेनकाइमा के नीचे होते हैं, लूजली अरेंज होते हैं और स्मॉल होते हैं, राउंड होते हैं, और ये हमारे नीचे एपेक्सियल सरफेस लोअर एपिडर्मिस तक फैले होते हैं, ठीक है। दे आर न्यूमरस लार्ज स्पेस एंड एयर कैविटी बिटवीन दी सेल, यानी स्पंजी पैलेनकाइमा होंगे, स्पंजी पैलेनकाइमा के बीच में क्या होगा, उसमें लार्ज स्पेस होगा और एयर कैविटी पाई जाएगी, ठीक है, उसमें स्पंजी पैलेनकाइमा में लार्ज स्पेस होगा और एयर कैविटी पाई जाएगी। इसमें वास्कुलर सिस्टम इंक्लूड वास्कुलर बंडल, वास्कुलर सिस्टम में क्या होता है, वास्कुलर बंडल को हम इंक्लूड करते हैं, विच कैन बी सीन इन द वेन एंड मिडरिप, है ना, जिसमें कि हमारा वेन और मिडरिप को हम देखते हैं। द साइज ऑफ वास्कुलर बंडल आर डिपेंड ऑन द साइज ऑफ वेन, जो हमारा वास्कुलर बंडल का साइज होता है वो हमारे डिपेंड करता है वेन पे, है ना, साइज ऑफ वेन, ये उसका वेन का साइज क्या है। द वेन वेरी इन थिकनेस, जो हमारी होती हैं वेन वेरी इन थिकनेस इन द रेटिकुलर बिनेशन, हमारा जो वेन और वेनलेट पाई जाती है हमारी रेटिकुलर बिनेशन में पाई जाती हैं, यानी हमारी डाइकॉट में जो होता है, डाइकॉट में जो होता है हमारा विनेशन होता है वो हमारा रेटिकुलेट विनेशन होता है, जिसको हम ट्रिक से देखे थे DTR, है ना, डाइकॉट में था, डाइकॉट में टैप रूट था और रेटिकुलेट विनेशन था, रेटिकुलेट विनेशन था हमारा। मोनोकॉट जो था, मोनोकॉट के बारे में मैंने देखा था मैप, मोनोकॉट की जो ट्रिक थी मैप थी, मैप से मोनोकॉट में एडवेंटेजियर रूट थी और पैरेलल विनेशन था, ठीक है, मैंने आपको ट्रिक से बताया सारी चीज़ें जो हमारा क्या है। हाँ, द वास्कुलर बंडल आर सराउंडेड बाई द वेन इज वेरी थिकनिंग इन द रेटिकुलेट विनेशन ऑफ डाइकॉट लिप, यानी डाइकॉट की लिप में जो होती है रेटिकुलेट विनेशन होता है उसकी थिकनिंग वेरी करती है। द वास्कुलर बंडल आर सराउंडेड बाई ए लेयर ऑफ थिक वॉल्ड वास्कुलर शीथ, है ना, हमारी वास्कुलर बंडल की जो वास्कुलर बंडल होता है सराउंडेड होता है ये थिक लेयर, जिसको हम वास्कुलर शीथ सेल कहते हैं, जो हमको फिगर में दिखाया गया है 6.8 में। एंड फाइंड द पोजिशन ऑफ द जाइलम इन वास्कुलर बंडल, ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं मोनोकॉट लिप के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद हम उसके जो फिगर दिखाए गए हमको वो हम देख लेंगे। तो मोनोकॉट को हम बोलते हैं आइसोबाइलेटरल, है ना, जो डाइकॉट को बोलते हैं डॉर्सीमेंटल और मोनोकॉट को हम बोलते हैं आइसोबाइलेटरल लिप, ठीक है। द एनाटॉमी ऑफ आइसोबाइलेटरल लिप इज सिमिलर टू डॉर्सीमेंटल लिप, है ना, यानी डाइकॉट लिप की और मोनोकॉट लिप की एनाटॉमी जो होगी वो सेम होगी इन मेनी वेज, है ना, बहुत सारी चीज़ों में डाइकॉट इन लिप की और मोनोकॉट लिप की एनाटॉमी जो होगी सेम होगी। इट्स ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंसेस, है ना, इसमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं ईच एन जो कि हमको दिखाए गए हैं। आइसोबाइलेटरल लिप में होते हैं जहाँ स्टोमेटा प्रेजेंट बोथ सरफेस ऑफ एपिडर्मिस, जो आइसोबाइलेटरल लिप में जो होते हैं स्टोमेटा होते हैं हमारे दोनों सरफेस में पाए जाते हैं इक्वल मात्रा में पाए जाएंगे। जो हमारे जो था डाइकॉट लिप में था उसमें निचली सतह पे यानी एबैक्सियल सरफेस पे हमारे जो स्टोमेटा थे वो ज़्यादा थे और एडैक्सियल में हमारे कम थे या फिर नहीं भी थे, ठीक है, बट हमारे जो थे मोनोकॉट में हमारा क्या है इसमें दोनों में स्टोमेटा जो होंगे बोथ सरफेस में पाए जाएंगे बोथ एपिडर्मिस में। एंड मीजोफिल इज नॉट डिफ्रेंशिएटेड, और इसमें जो होती है मीजोफिल डिफ्रेंशिएट नहीं होती हैं जैसे कि हमारे डाइकॉट में मीजोफिल डिफ्रेंशिएट थी पहले सेड और स्पंजी पैलेनकाइमा में, बट यहाँ पे हमारे जो हैं इसमें जो हमारी मीजोफिल हैं वो डिफ्रेंशिएट नहीं है स्पंजी और पॉलीसेड में, पहली सेड और स्पंजी पैलेनकाइमा में हमारी यहाँ पे मीजोफिल सेल डिफ्रेंशिएट नहीं है मोनोकॉट के केस में, ठीक है। उसके बाद इन ग्रासेस सर्टेन एडैक्सियल एपिडर्मिस सेल, जो ग्रासेस में होती हैं सर्टन एडैक्सियल एपिडर्मिस सेल, एडैक्सियल एपिडर्मिस का मतलब हुआ एडैक्सियल यानी ऊपर वाली, ठीक है, ऊपर यानी अपर, ठीक है, अपर वाली जो सरफेस होती है कुछ ग्रासेस में अपर वाली एपिडर्मिस सेल में वेन मॉडिफाइड देन सेल्फ इनटू लार्ज इम्पटी कलरलेस सेल, ठीक है, दीज कॉल वुलीफॉर्म सेल, जो हमारी ग्रासेस में होती हैं ये हमारी एडैक्सियल सरफेस में जो होती हैं उसकी वेन मॉडिफाई हो जाती हैं लार्ज इम्पटी कलरलेस सेल में, जिसको हम बोलते हैं वुलीफॉर्म सेल, है ना, वुलीफॉर्म सेल को हम मोटर सेल भी बोलते हैं, वुलीफॉर्म सेल को हम क्या बोलते हैं, मोटर सेल भी बोलते हैं, जो कि पाई जाती हैं
ग्रासेस में, ठीक है। मोटर सेल तो हमारी पाई जाती है बुलीफॉर्म सेल, एडेक्सियल एपिडर्मिस में पाई जाती हैं, एडेक्सियल एपिडर्मिस में पाई जाती हैं, ये हमारी बुलीफॉर्म सेल होती हैं, ये ग्रासेस में पाई जाती हैं, इनको मोटर सेल भी बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारी किससे बनती हैं, जो हमारी एपिडर्मिस की वेंस मॉडिफाई हो जाती हैं, है ना, और वो कलरलेस सेल में कन्वर्ट हो जाती हैं, हमारी बुलीफॉर्म सेल बना लेती हैं, बुलीफॉर्म सेल बना लेती हैं। व्हेन द बुलीफॉर्म सेल इज, व्हेन बुलीफॉर्म सेल इन लीफ हैव एब्जॉर्ब वाटर एंड टर्च, जब हमारी बुलीफॉर्म सेल लीफ में वाटर एब्जॉर्ब करेंगे तब ये फूल जाएंगी, है ना। टर्गिट का मतलब होना फूलना, टर्गिट का मतलब होता है फूलना, ये फूल जाएंगी जब वाटर एब्जॉर्ब करेंगे बुलीफॉर्म सेल, तो हमारी ये फूल जाएंगी। द लीफ सरफेस इज एक्सपोज, और हमारा लीफ का सरफेस होगा वो खुल जाएगा, है ना, एक्सपोज हो जाएगा। व्हेन दे फ्लैसिड ड्यू टू द वाटर स्ट्रेस, जब ये फ्लैसिड होती हैं, फ्लैसिड का मतलब होता है पिचकना, पिचकना यानी उससे कोई चीज़ फूली हुई थी वो दब गई, यानी फ्लैसिड हो गई, तो उसको हम फ्लैसिड बोलने, पिचकना बोलते हैं। व्हेन दे फ्लैसिड ड्यू टू वाटर स्ट्रेस, जब जब हमारा वाटर स्ट्रेस होगा यानी वाटर लॉस ज़्यादा हो जाएगा, तो हमारा वाटर स्ट्रेस हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारी जो सेल होती हैं फ्लैसिड हो जाती हैं, यानी सिकुड़ जाती हैं। एंड दे मेक द लीफ कर्ल, और जो हमारी लीफ को ये कर्ल कर लेती हैं, यानी मोड़ लेती हैं, इनवर्ट मिनिमाइज वाटर लॉस, ये वाटर लॉस को रोकने के लिए फ्लैसिड हो जाती हैं, और हमारी लीफ सरफेस को, लीफ को कर्ल कर लेती हैं, अंदर की तरफ मोड़ लेती हैं कि हमारा वाटर लॉस ज़्यादा ना हो। जितना हमारा एक्सपोज सरफेस एरिया होगा यानी, तो हमारा वाटर लॉस ज़्यादा होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये मोनोकॉट है, मोनोकॉट में, मोनोकॉट लीफ में मैंने बताया था आपको पैलर ब्रिनेशन होता है मैपलिट्रिक से। द पैलर ब्रिनेशन इन मोनोकॉट लीफ इज रिफ्लेक्टेड इन द नियर सिमिलर साइज वास्कुलर बंडल एक्सेप्ट द मेन वेन इन सीन वर्टिकल सेक्शन ऑफ द लीफ, है ना। जो मोनोकॉट लीफ होती है इसमें हमारा पैलर ब्रिनेशन होता है, ठीक है। जो इसमें हमारी जो एक है इंपॉर्टेंट क्या है, बुलीफॉर्म सेल, बुलीफॉर्म सेल हमारी ग्रासेस में पाई जा रही थी, जो कि हमारी वाटर अगर एब्जॉर्ब कर लेंगे तो ये हमारी ये टर्गिड हो जाएंगी यानी फूल जाएंगी, और जब इसमें वाटर स्ट्रेस होगा यानी वाटर लॉस ज़्यादा होगा तो ये हमारी फ्लैसिड हो जाएंगी यानी पिचक जाएंगी, और लीफ की सरफेस को कर्ल कर लेंगी ताकि हमारा वाटर लॉस ज़्यादा ना हो। जितना हमारा लीफ का एक्सपोज सरफेस एरिया होगा उतना वाटर लॉस ज़्यादा होगा, ठीक है, हमने ये देख लिया। और हम आइसोलेटरल लीफ यानी हमने मोनोकॉट लीफ में ये देखा कि हमारे जो इसमें एडेक्सियल और एक्सियल सरफेस, अपर सरफेस और ऊपर अपर सरफेस और लोअर सरफेस दोनों में से स्टोमेटा थे वो बराबर मात्रा में पाए जा रहे थे, बट हमारे डाइकॉट के केस में थोड़ा अलग था, उसमें लोअर सरफेस में ज़्यादा पाए जा रहे थे अपर सरफेस से, यानी यहाँ तक कि अपर सरफेस में थे भी नहीं, ठीक है। तो हम इसके फिगर देख लेते हैं, ये हमको जो फिगर दिखाए गए हैं, पहले हम आपको दिखाते हैं, पहले सेट और स्पंजी पैरेन्काइमा के फिगर दिखाते हैं। ये हमको लीफ ऑफ डाइकॉट और मोनोकॉट का लीफ का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये हमको दिखाया गया है डाइकॉट का, ठीक है। डाइकॉट का कैसे दिखाया गया, अगर हमको ऑप्शन में ना भी इसमें लिखा भी ना हो कि ये डाइकॉट का है या मोनोकॉट का है, तो हम इसमें पैराग्राफ में इतना पढ़ चुके हैं कि हम उसको आँख बंद करके भी बता सकते हैं कि भाई ये डाइकॉट का है या मोनोकॉट का है। देखो इसमें जो पैरेन्काइमा थे वो डिफ्रेंशिएट थे स्पंजी और पैलेसाइड में, ठीक है। मेसोफिल जो थे इसके डिफ्रेंशिएट थे स्पंजी पैरेन्काइमा और पैलेसाइड पैरेन्काइमा। इसकी जो एडेक्सियल सरफेस है यानी अपर सरफेस है, इसमें स्टोमेटा देखो हमको नहीं दिखाए गए, स्टोमेटा पाए नहीं जा रहे हैं, ठीक है। और इसमें जो पैलेसाइड जो मेसोफिल था डिफ्रेंशिएट था, ये वर्टिकल थे, पैरेलल अरेंज थे, ठीक है, कॉलम लाइक स्ट्रक्चर थे, ये हमारा पैलेसाइड पैरेन्काइमा था। उसके बाद पैलेसाइड पैरेन्काइमा के बीच में हमारे ये जो हैं स्पंजी मेसोफिल जो हमारे ओवल थे, ठीक है, इसमें जो होता है इंटरसेलुलर स्पेसेस पाए जा रहे थे, एयर कैविटी पाई जा रही थी, ये हमारे पहले साइड के नीचे थे और हमारे एबैक्सियल सरफेस तक फैले हुए थे, ठीक है, एबैक्सियल सरफेस तक फैले हुए थे, इसमें एयर कैविटी पाई जा रही थी। इनमें जो हमारा था वास्कुलर बंडल भी पाए जा रहे थे, जाइलम और फ्लोएम पाए जा रहे थे, इसमें बंडल सीथ थे, है ना। वास्कुलर बंडल जो हमारे थे वो सराउंडेड थे बंडल सीथ सेल से, ठीक है।
और जो हमारा एपेक्सियल सरफेस है यानी लोअर सरफेस है उसमें हमारा स्टोमेटा पाया जा रहे थे, जिसमें कि कैविटी पाई जा रही थी, जो सब स्टोमेटल कैविटी, जो कैविटी के बीच में यानी स्टोमेटा के बीच में कैविटी पाई जा रही है, इसलिए इसको सब स्टोमेटल कैविटी बोलते हैं। ठीक है, एपेक्सियल सरफेस में हमारा स्टोमेटा था और उसमें एडेक्सियल सरफेस में स्टोमेटा नहीं था। डाइकॉट में पैलेसेड और मेसोफिलियल पैलेसेड और स्पंजी पैरेन्काइमा में डिफ्रेंशिएट था। ठीक है, अब हम मोनोकॉट का देख लेते हैं। मोनोकॉट में हमको देखो एपेक्सियल एपिडर्मिस हमको दिखाई गई है, हमको एडेक्सियल एपिडर्मिस दिखाई गई है। जो हमारा एपेक्सियल एपिडर्मिस में एक स्टोमेटा है और हमारा एपेक्सियल में, एडेक्सियल में भी हमारा एक स्टोमेटा और एपेक्सियल में भी हमारा एक स्टोमेटा है। ठीक है, इसमें जो जाइलम है, जाइलम हमारा ये है और हमारा ये मेसोफिल सेल है हमारी, इसमें मेसोफिल सेल हमारी पैलेसेड और स्पंजी में डिफ्रेंशिएट नहीं है। ठीक है, जो स्टोमेटा के बीच जो कैविटी हमारे सब स्टोमेटल कैविटी बोलते थे। ठीक है, और ये हमारा फ्लोयम है। तो हमने ये देख लिया, लीप के बारे में देख लिया। ठीक है, मोनोकॉट लीप क्या होती है, डाइकॉट लीप क्या होती है, मैंने उन सब के बारे में देख लिया। अब हम देख लेते हैं सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ हमारी क्या होती है। ठीक है, द ग्रोथ सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ हमारी कैम्बियम रिंग पाई जाएगी तभी हमारा सेकेंडरी ग्रोथ होगा। ठीक है, द ग्रोथ इज रूट, द ग्रोथ ऑफ द रूट एंड स्टेम इन लेंथ विद द हेल्प ऑफ एपिकल मेरिस्टम कॉल प्राइमरी ग्रोथ। जो हमारे रूट में ग्रोथ होती है और स्टेम में ग्रोथ होती है विद द हेल्प ऑफ एपिकल मेरिस्टम, जो एपिकल मेरिस्टम थे हमारे कौन कौन थे, एपिकल मेरिस्टम जो थे हमारे वो रूट एपिकल मेरिस्टम थे, रूट एपिकल मेरिस्टम थे और हमारे शूट एपिकल मेरिस्टम थे। रूट एपिकल मेरिस्टम जो था हमारा रूट में ग्रोथ करा रहा था और जो हमारा शूट एपिकल मेरिस्टम था वो हमारे शूट में ग्रोथ करा रहा था। मैंने आपको बताया है ये हमारे जो ये जो हमारे होते हैं रूट एपिकल मेरिस्टम शूट एपिकल मेरिस्टम, ये हमारी प्राइमरी ग्रोथ कॉज करवाते हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द प्राइमरी ग्रोथ मोस्ट डाइकॉट प्लांट एग्जिबिट इंक्रीज इन ग्रोथ, यानी हमारी ये प्राइमरी ग्रोथ के साथ साथ हमारे जो डाइकॉट प्लांट होते हैं एग्जिबिट द, ये प्राइमरी ग्रोथ के साथ साथ हमारे जो डाइकॉट प्लांट होते हैं ये अपनी इंक्रीज इन ग्रोथ का मतलब है ये अपनी चौड़ाई में ग्रोथ कराएंगे। ठीक है, चौड़ाई में ये ग्रोथ कराएंगे इंक्रीज इन ग्रोथ में। ठीक है, इंक्रीज इन ग्रोथ में डाइकॉट प्लांट जो होते हैं अपनी ग्रोथ में ग्रोथ करवाते हैं। दिस इंक्रीज इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ, जो हमारी प्राइमरी ग्रोथ होगी वो हमारी लेंथ में होगी और जो हमारी सेकेंडरी ग्रोथ होगी वो चौड़ाई में होगी यानी मोटाई पे होगी, इसको हम सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं। ठीक है, जो हमारी डाइकॉट में होती है। द टिश्यू इन्वॉल्व इन सेकेंडरी ग्रोथ आर टू, जो हमारी सेकेंडरी ग्रोथ में जो टिश्यू इन्वॉल्व होते हैं वो हमारे टू टाइप के होते हैं, टू होते हैं। ठीक है, टू में क्या है, लेटरल मेरिस्टम यानी वो अगल बगल वाले और वास्कुलर कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम, है ना, जो हमारे सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो हमारे कौन कौन से होते हैं, लेटरल मेरिस्टम होते हैं, वास्कुलर कैम्बियम होते हैं और कोर कैम्बियम होते हैं, ये हमारी सेकेंडरी ग्रोथ कॉज करवाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं हम वास्कुलर कैम्बियम क्या होता है। ठीक, फिर उसके बाद हम देखेंगे कोर कैम्बियम क्या होते हैं, है ना। वास्कुलर कैम्बियम लेटरल मेरिस्टम को हम बोलते हैं, लेटरल मेरिस्टम यानी अगल बगल वाले मेरिस्टम, अगल बगल वाले में कौन क्या होते हैं, वास्कुलर कैम्बियम आते हैं, कोर कैम्बियम आते हैं। ठीक है, अब वास्कुलर कैम्बियम के बारे में देख लें हम। द मेरिस्टमेटिक लेयर डेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कटिंग ऑफ वास्कुलर टिश्यू जाइलम एंड फ्लोयम इज कॉल्ड वास्कुलर कैम्बियम। ठीक है, इसका सिंपल मतलब ये है, मेरिस्टमेटिक लेयर, वो मेरिस्टमेटिक लेयर जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है वास्कुलर टिश्यू को कटिंग करने में, जाइलम और फ्लोयम को, उसको बोलते हैं वास्कुलर कैम्बियम। ठीक है, वास्कुलर कैम्बियम जो हमारी जाइलम और फ्लोयम के बीच में, हमारा ये जाइलम था, मान लो हमारा ये फ्लोयम था। ठीक है, ये हमारा फ्लोयम था, ये हमारा जो था ये हमारा जाइलम था, यहाँ पे हमारी कैम्बियम रिंग पाई जा रही थी, यहाँ पे हमारी क्या रिंग पाई जा रही थी, कैम्बियम रिंग पाई जा रही थी, ये हमारी वास्कुलर कैम्बियम रिंग थी। ठीक है, इन यंग स्टेम इट इज प्रेजेंट इन पैचेज एज ए सिंगल लेयर, यंग स्टेम में जो होती है हमारी प्रेजेंट होती है, इन यंग स्टेम इट प्रेजेंट इन पैचेज एज ए सिंगल लेयर बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोयम, यानी जो हमारी कैम्बियम होती है ये हमारी यंग स्टेम में प्रेजेंट होती है, यंग स्टेम में प्रेजेंट होती है पैचेज में सिंगल लेयर में जाइलम और फ्लोयम के बीच में, इन बिटवीन, है ना, बिटवीन लेयर जाइलम और फ्लोयम को, लेटर फॉर्म द
कॉम्पैक्ट रिंग, और ये हमारी बाद में क्या होती है, बाद में कंप्लीट रिंग बना लेती है। इसलिए हमारे जो डाइकॉट में होते हैं उसमें हमारा रिंग एक्सपेरिमेंट पॉसिबल होता है ना। कैम्बियम की एक्टिविटी होती है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है, ये हमारी रिंग अड्डे एक्सपेरिमेंट होता है इसमें वास्कुलर कैम्बियम। अब इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियल रिंग, और कैम्बियम कैम्बियल रिंग का फॉर्मेशन ठीक है कैसे होता है। इन डाइकॉट द सेल इज कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन प्राइमरी एंड प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम। ठीक है, जो हमारी डाइकॉट स्टेम में होती है कैम्बियम प्रेजेंट होता है प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम इज इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है ना। जो हमारे जो होती है डाइकॉट में और डाइकॉट स्टेम की सेल में जो कैम्बियम प्रेजेंट होती है प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम के बीच में, तो वो हमारी क्या होती है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, इंट्रा मतलब एक, इंट्रावर्ड इंट्रावर्ड इंट्रा का मतलब होगा हमारा एक ही में, एक ही में यानी जाइलम और फ्लोएम में, और इंटर का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, इंटर का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, हमारा दीज सेल मेटलरी रेस, दीज सेल ऑफ मेटलरी रेस एडजॉइनिंग दीज इंटरफेसिकुलर, सॉरी दीज सेल मेटलरी रेस एडजॉइनिंग दीज इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बिकम मेरिस्टमेटिक एंड फॉर्म इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ये हमारा इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम मेरिस्टमेटिक हो जाता है ना, बिकम मेरिस्टमेटिक एंड फॉर्म इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बनाता है ना। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जो होता है मेरिस्टमेटिक हो जाता है, फिर इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बनाता है। दस ए कंटिन्यूस रिंग कैम्बियम फॉर्म, तो हमारी कंटिन्यूस रिंग बन जाती है कैम्बियम की। ठीक है, तो हमारी कैम्बियम की कंटिन्यूस रिंग बन जाती है, हमारा जो इंट्राफेसिकुलर होता है वो कैम्बियम मेरिस्टमेटिक हो जाता है और हमारा इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बना जाता है। तो हमारा इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम से हमारी जो कंटिन्यूस रिंग कैम्बियम रिंग बन जाती है। ठीक है, एक्टिविटी ऑफ कैम्बियल रिंग, अब एक्टिविटी ऑफ कैम्बियल रिंग क्या होती है जो हम देखते हैं। कैम्बियम रिंग की एक्टिविटी, एक्टिविटी ऑफ कैम्बियल रिंग, द कैम्बियल रिंग बिकम एक्टिव एंड बिगन टू कट ऑफ न्यू सेल बोथ टूवर्ड्स इनर एंड आउटर साइड्स है ना। ये हमारा बता रहा है कैम्बियम रिंग जो एक्टिव होती है वो हमारी सेल को कट ऑफ करती है, यानी काटती है अंदर से और बाहर से बोथ टूवर्ड इनर एंड आउटर साइड्स। द सेल कट ऑफ टूवर्ड्स पिट मेच्योर सेल इन टू सेकेंडरी जाइलम। जो हमारी सेल दी सेल कट ऑफ टूवर्ड्स पिट, जो हमारी सेल पिट की तरफ से काटेगी वो हमारी मेच्योर बनाएगी सेकेंडरी जाइलम। एंड सेल कट ऑफ टूवर्ड्स पेरीफेरी, जो हमारी वो पेरीफेरी से काटेगी वो हमारी क्या बनाएगी, वो हमारी बनाएगी सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है, जो हमारी बनाएगी सेकेंडरी फ्लोएम, तो इसका मतलब ये है जो सेल हमारी पिट की तरफ से काटेगी तो वो मैच्योर होगी तो वो बनेगी सेकेंडरी जाइलम, और जो हमारी पेरीफेरी की तरफ से काट कर मैच्योर होगी वो बनेगी सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है, द कैम्बियम इज जनरली मोर एक्टिव ऑन द इनर साइड देन द आउटर साइड। जो हमारा कैम्बियम होता है वो मोर एक्टिव होता है इनर साइड देन आउटर साइड, आउटर साइड से ज़्यादा इनर साइड का कैम्बियम जो होता है वो मोर एक्टिव होता है। एज रिजल्ट द अमाउंट ऑफ सेकेंडरी जाइलम प्रोड्यूस इज मोर देन द सेकेंडरी फ्लोएम सून फॉर्म ए कॉम्पैक्ट मास। तो इस वजह से जो हमारा होता है अमाउंट ऑफ द सेकेंडरी जाइलम वो ज़्यादा बनता है देन सेकेंडरी फ्लोएम सून एज द कॉम्पैक्ट मास है ना, और वो कॉम्पैक्ट मास बनाता है। द प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम गेट्स ग्रेजुअली क्रस्ट ड्यू टू कंटिन्यूस फॉर्मेशन ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ द सेकेंडरी जाइलम है ना। जो हमारा प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम होता है वो धीरे धीरे क्या होता है क्रस्ट हो जाता है, एक दूसरे में पिसता जाता है यानी मिल जाता है ड्यू टू कैम्बियम जो होता है, ड्यू टू कंटिन्यूस फॉर्मेशन एक्यूमुलेशन ऑफ द सेकेंडरी जाइलम जो हमारा लगातार बनता जाता है, इस वजह से वो तो हमारा क्या होता है सेकेंडरी जाइलम के एक्यूमुलेशन होता है ना, इस वजह से हमारा जो होता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम जो होता है वो गेट्स क्रश हो जाता है ड्यू टू कंटिन्यूस फॉर्मेशन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ द सेकेंडरी जाइलम। ठीक है, दीज जाइलम हाउएवर रिमेन
however remain more and less intact in or around the center. In some place the cambium form a narrow band of the parenchyma. और कुछ जगह पर जो होता है हमारा कैम्बियम जो होती है वो नैरो पैरेंटकाइमा फॉर्म करती है. कैम्बियम फॉर्म नैरो बैंड बनाती है पैरेंटकाइमेटा के, पतले बैंड बनाएगी. ठीक है. इन प्रोसेस थ्रू द सेकेंडरी विच प्रोसेस थ्रू द सेकेंडरी जाइलम जो कि हमारे सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम इन रेडियल डायरेक्शन, जो कि हमारे रेडियल डायरेक्शन पे सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम होते हैं, है ना. दीज आर सेकेंडरी मेडुलरी रेस, तो उनको हम सेकेंडरी मेडुलरी रेस बोलते हैं. हमको ये फिगर दिखाए गए हैं, ये हम देख लेते हैं. ये हमारे इपिडर्मिस दिखाया गया बाहर हमारा. उसके बाद कॉर्टेक्स, ये हमारे प्राइमरी फ्लोएम दिखाए गए. प्राइमरी फ्लोएम ये हमारा प्राइमरी जाइलम. ठीक है. यहाँ पे जो वास्कुलर कैम्बियम है, वास्कुलर कैम्बियम फ्लोएम और जाइलम के बीच में पाई जा रही, तो यानी उसमें कैम्बियल एक्टिविटी होगी यानी सेकेंडरी ग्रोथ होगी. उसके बाद ये हमको जो है पिच दिखाया गया, ये हमारा जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है. ठीक है. इंटरफेसिकुलर कैम्बियम ये हमको. उसके बाद ये हमारा ये सेकेंडरी ग्रोथ हमारे डाइकॉट स्टेम की है ना. ये हमारा ये फिल्लेम होता है, फिल्लोजेन होता है. आगे चल के मैं बताऊंगा क्या क्या होते हैं. ठीक है. ये मेडुलरी रेस होती हैं, ये मेडुलरी रेस होगी. ये हमारी सेकेंडरी ग्रोथ हुई क्योंकि हमारी इसमें कैम्बियल एक्टिविटी पाई जा रही थी, है ना. कैम्बियल एक्टिविटी पाई जा रही है, इस वजह से हमारी सेकेंडरी ग्रोथ होती है. हमारा सेकेंडरी जाइलम दिया गया है. ठीक है. इसमें सेकेंडरी फ्लोएम दिखाया गया है और ये हमारी कैम्बियल रिंग बन गई, कम्प्लीटली कैम्बियल रिंग बन गई. इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होगी. ये डाइकॉट स्टेम का है. ठीक है. अब हम देखते हैं स्प्रिंग बूट एंड एंटूबन बूट, है ना. स्प्रिंग बूट और एंटूबन बूट क्या होते हैं इसके बारे में हम देख लेते हैं. द एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द मेनी फिजियोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर. जो हमारी कैम्बियम की एक्टिविटी होती है वो हमारी बहुत सारे जो हमारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं और एनवायरमेंटल फंक्शन दोनों कंट्रोल करते हैं कैम्बियम की एक्टिविटी को. एनवायरमेंटल फंक्शन क्या होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर क्या होते हैं हमारे, जैसे टेम्परेचर हो गया, लाइट वगैरह हो गया. और फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो होते हैं हमारे प्लांट के खुद के फंक्शन जो होते हैं वो फिजियोलॉजिकल फंक्शन में कंसाइडर किए जाते हैं, है ना. जैसे हमारा टेम्परेचर, इन टेम्परेट रीजन द क्लाइमेट कंडीशन आर नॉट यूनिफॉर्म थ्रू द ईयर. यानी टेम्परेट रीजन का मतलब होता है जहाँ पे टेम्परेचर वेरी करें. ठीक है. टेम्परेचर वेरी करें जहाँ पे हमारा टेम्परेचर वेरी करता है वहाँ पे उसको हम बोलते हैं टेम्परेट रीजन, है ना. वहाँ पे जो हमारा होता है इन्वायरमेंट की कंडीशन, इन्वायरमेंट क्लाइमेटिक कंडीशन जो होती है पूरे साल सेम नहीं रहती है, यूनिफॉर्म नहीं रहती है, वो चेंज होती रहती है. इन द स्प्रिंग सीजन में क्या होता है हमारा, स्प्रिंग सीजन में होती है कैम्बियम इज वेरी एक्टिव. स्प्रिंग सीजन में जो होती है कैम्बियम जो होती है बहुत एक्टिव होती है एंड प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ जेलरी एलिमेंट हैविंग वेसल इन वाइडर कैविटी, है ना. जो हमारी स्प्रिंग सीजन में जो होती है कैम्बियम बहुत एक्टिव होती है और लार्ज नंबर ऑफ जेलरी एलिमेंट प्रोड्यूस करती है जिसमें कि हैविंग वेसल्स विद वाइडर कैविटी, और उनकी वेसल्स जो होती हैं उनमें वाइडर कैविटी होती है. ये हमारा क्वेश्चन आता है कि स्प्रिंग बूट में जो होती है हमारी कैम्बियम एक्टिव होती है, है ना, उसमें कैसी कैसी वेसल्स, क्या क्या उसके फंक्शन होते हैं. कैम्बियम इज वेरी एक्टिव एंड प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ द जेलरी एलिमेंट हैविंग वेसल्स इज वाइडर कैविटी. जो वेसल्स होंगे उनमें वाइडर कैविटी होगी, है ना. वुड फॉर्म ड्यूरिंग दिस सीजन, जो इस सीजन में वुड बनती है स्प्रिंग, है ना. तो स्प्रिंग बूट इस सीजन की जो हमारी स्प्रिंग बूट बनती है, इस सीजन में जो बूट बनती है उसको क्या बोलते हैं, स्प्रिंग बूट बनते हैं क्योंकि हमारी ये स्प्रिंग सीजन में बनती है ना. बूट फॉर्म ड्यूरिंग दिस सीजन कॉल्ड स्प्रिंग बूट और अर्ली बूट, है ना. इस सीजन में जो बूट बनती है उसको हम स्प्रिंग बूट बोलते हैं और अर्ली बूट बोलते हैं, यानी स्प्रिंग बूट को ही हम अर्ली बूट बोलते हैं. ठीक है, याद रखेंगे इसको. इन विंटर सीजन द कैम्बियम इज लेस एक्टिव एंड फॉर्म फ्यूअर जेलरी एलिमेंट. जो हमारी विंटर सीजन में जो होती है कैम्बियम हमारी लेस एक्टिव होती है, यानी वो ज़्यादा अच्छे से अपना वर्क नहीं कर पाएगी, लेस एक्टिव होती है. फॉर्म फ्यूअर जेलरी एलिमेंट, और हमारी कुछ ही जेलरी एलिमेंट बनाती हैं बट जिसमें जो नैरो होती है उनकी जो वेसल की होती है कैविटी होती है वो नैरो होती है. एंड और इस वाली जो वुड बनती है, यानी हमारी जो
विंटर में जो वुड बनती है उसको हम बोलते हैं लेट वुड और अंटुमन वुड, है ना, लेट वुड एंड अटुमन वुड, है ना। जो स्प्रिंग में बनती थी उसको स्प्रिंग वुड और अर्ली वुड बोलते थे। उसकी जो कैविटी थी वेसल्स की वो वाइडर थी, है ना, और बहुत सारी जेलरी एलिमेंट बना रही थी। बट जो हमारी विंटर में है इसकी जो वेसल्स के हैं उसकी नैरो कैविटी है, ठीक है, नैरो वेसल्स हैं, और इसको लेट वुड और अंटुमन वुड बोलते हैं। इनमें फ्यूअर जेलरी एलिमेंट होते हैं, याद रखेंगे हम ये। द स्प्रिंग वुड इज लाइटर इन कलर, जो स्प्रिंग वुड होती है यानी जो हमारी स्प्रिंग सीजन में बनती है वो वुड उसका कलर जो होता है वो स्प्रिंग वुड में लाइटर कलर होती है एंड लोअर डेंसिटी, यानी जिसका कलर हल्का है उसकी डेंसिटी कम है। और एंटुमन वुड में जो हमारी डार्क वुड बनती है, डार्क वुड बनेगी तो उसमें बहुत सारी चीज़ें इकट्ठे हो जाएंगी तो वो काला काला होगा, इस वजह से उसको डार्क वुड बोलते हैं। इसकी जो होती है हायर डेंसिटी होती है, यानी उसका जो डेंसिटी होगी हाई होगी। तो हम ऐसे याद रखेंगे जो हमारा स्प्रिंग होता है यानी हमारी स्प्रिंग सीजन में जो वुड बनेगी उसका जो कलर होगा वो हमारा लाइट होगा यानी हल्का कलर होगा, और उसकी जो डेंसिटी होगी कलर हल्का तो उसकी डेंसिटी हल्की, ठीक है। एंटुमन वुड में एंटुमन वुड को यानी लेट वुड जो बनेगी उसका कलर जो डार्क होगा, है ना, डार्क होगा। जो हमारी एंटुमन वुड बनती है विंटर सीजन में बनती है, विंटर सीजन में एक तरीके से हम याद कर लें हमारी बॉडी में ही, है ना, इसकम लग जाता है यानी मैल लग जाता है, तो एक तरह से ये भी इसमें भी मैल लग जाएगा, है ना, विंटर वुड में, तो वो भी हमारी डार्क कलर की दिखेगी और इसमें जो डेंसिटी होगी वो हायर डेंसिटी होगी। टू काइंड ऑफ वुड डेट अपीयर एट अल्टरनेट कॉन्सेंट्रिक रिंग, जो हमारी टू काइंड ऑफ वुड होती हैं अपीयर इन अल्टरनेट कॉन्सेंट्रिक रिंग, है ना, तो कंस्टिट्यूट ऑफ एनुअल रिंग। हमारी एक सीजन में स्प्रिंग वुड बनी, इन स्प्रिंग वुड बनी, उसके बाद हमारी विंटर सीजन में हमारी एंटुमन वुड यानी लेट वुड बनी। अब ये जब दोनों बन गई, मान लो हमारा ये स्प्रिंग सीजन में हमारी स्प्रिंग वुड बनी, एंटुमन सीजन में हमारी ये एंटुमन वुड यानी लेट वुड बनी, है ना। अब जब ये दोनों बन गई वन ईयर में, तो इसको हम बोलते हैं एक साल में जो बनेंगे तो इनको हम एनुअल रिंग बोलेंगे। अभी एनुअल रिंग जो हमारी एक साल में एक बार में स्प्रिंग सीजन में यानी स्प्रिंग वुड बनी, है ना, और विंटर सीजन में हमारी एंटुमन वुड बनी, जब एक साल में दोनों हो गया तो इसको हम एनुअल रिंग बोलेंगे। अब एनुअल रिंग से क्या होती है, हमारी जो प्लांट की जो हमारी एज को एस्टिमेट करते हैं, ठीक है। तो एनुअल रिंग सीन इन कट द स्टेम, जब हम स्टेम को काटते हैं तो हमको एनुअल रिंग दिखाई देती है, जो हमारी की एस्टिमेट ऑफ द ट्री एज यानी एज की हम जो ट्री की हम उसको एज को देखते हैं कि हमारी कितनी इसमें रिंग है। अगर एक हमारी एंटुमन रिंग बनी और एक हमारी स्प्रिंग वुड बनी, दोनों लेयर हमको दिखेंगी, तो हमको उससे पता चलेगा कि हमारी इस प्लांट की एज जो है वन ईयर है, क्योंकि ये हमारी एनुअल रिंग है, एक साल में दोनों बनेंगी एक एक बार, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं हार्ड वुड एंड सैप वुड, ठीक है। हार्ड वुड क्या होता है, सैप वुड क्या होता है, हार्ड नाम से ही पता चल रहा है, हार्ड मतलब कड़ा, ठीक है, नाम से पता चल रहा है। जो ओल्ड ट्री द ग्रेटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम इज डार्कर ब्राउन, है ना, जो ओल्ड ट्री होते हैं उनमें जो होते हैं सेकेंडरी जाइलम जो होते हैं वो डार्कर ब्राउन होते हैं ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, उनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिपोजिशन हो जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या क्या होते हैं, जैसे हमारे टेनिन हो गए, रेजिन हो गए, ऑयल हो गए, गम्स हो गए एंड एरोमेटिक सबस्टेंस हो गए, कुछ हमारे एसेंशियल ऑयल हो गए इन द सेंटर एंड इनर मोस्ट लेयर ऑफ द स्टेम, है ना, इनके इनर मोस्ट सेंटर पे जमा हो जाते हैं, इसलिए हमारे जो होते हैं वो डार्क ब्राउन कलर के दिखाई देते हैं। टेस्ट में क्या लिखा है हम देख लेते हैं। द ओल्ड ट्री ग्रेटर पार्ट सेकेंडरी जाइलम इज डार्क ब्राउन ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक टेनिन, टेनिन जो होता है पॉलीफिनॉल होता है, मैंने आपको बताया था, है ना, रेजिन, ऑयल, गम्स, एरोमेटिक सबस्टेंस एंड एसेंशियल ऑयल इन द सेंट्रल एंड इनर मोस्ट लेयर ऑफ स्टेम, ये हमारी चीज़ इनर मोस्ट सेंटर ऑफ सेंटर और इनर मोर स्टेम में ये हमारी चीज़ें हमारी जमा हो जाती हैं, जो कि हमारा डार्क ब्राउन कलर का दिखाई देता है ड्यू टू टेनिन के डिपोजिशन से, रेजिन के, ऑयल, गम्स, एरोमेटिक सबस्टेंस, एसेंशियल ऑयल, ये सारे इनर मोस्ट या सेंटर ऑफ स्टेम में जमा हो जाते हैं। दीज सबस्टेंस मेक इट स्टार्ट, और ये हमारे सबस्टेंस जो होते हैं ये सारे के सारे जमा हो जाएंगे तो वो हमारा जो बन जाएगा वो हार्ड बन जाएगा, ड्यूरेबल, और ये हार्ड हो जाएगा तो ड्यूरेबल हो जाएगा एंड रेजिस्टेंट टू द अटैक ऑफ माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म एंड इंसेक्ट, और जो हमारे इंसेक्ट होंगे और माइक्रोब्स होंगे ये उन पर अटैक नहीं कर पाएंगे, है ना, उसके लिए रेजिस्टेंट हो जाएगा, ड्यूरेबल हो जाएगा, ठीक है, ड्यूरेबल हो जाएगा, इसलिए इसको हम हार्ड वुड बोलते हैं ना? द रीजन कंप्राइज डेड एलिमेंट विथ हाईली लिग्निफाइड वॉल एंड कॉल्ड हार्ड वुड, है ना, और ये हमारा जो होता है जिस रीजन में डेड एलिमेंट होते हैं, डेड एलिमेंट होंगे और हाईली
लिग्निफाइड वाल होंगे। लिग्निफाइड का मैंने बताया था, जहाँ पे लिग्निफाइड लिग्नी वर्ड आ जाएगा, लिग्निन वर्ड आ जाएगा, तो वहाँ पे वो डेडवान आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे कंप्राइज होते हैं, वो हार्डवुड बोलते हैं, हार्डवुड बोलते हैं इसको। ठीक है, द हार्डवुड डज नॉट कंडक्ट वाटर, जो हार्डवुड होती है वो वाटर कंडक्ट नहीं करती है, बट इट, हार्डवुड पता ही चल रहा है हार्डवुड कठोर होगा, ये वाटर का कंडक्शन नहीं करेगा, बट इट गिव मैकेनिकल सपोर्ट ऑफ द स्टेम, यानी स्टेम को ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा, है ना, स्टेम को ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा। द पेरीफेरल रीजन ऑफ द सेकेंडरी जैलम, यानी सेकेंडरी जैलम का जो पेरीफेरल रीजन होता है, यानी बाहर का रीजन होता है, इज लाइटर इन कलर, वो लाइटर कलर का होता है, यानी हल्के कलर का होता है, और उसको हम सैपवुड बोलते हैं। ठीक है, जो हमारे पेरीफेरल रीजन ऑफ द सेकेंडरी जैलम, वो जो हमारे बाहर का रीजन होगा, वो हमारे लाइटर कलर का होगा, और वो हमारा सैपवुड होगा। इट इन्वॉल्व, जो हमारा सैपवुड होता है वो हमारा क्या काम करता है, सैपवुड हमारा होता है, सैपवुड होता है जो हमारा काम का क्या करता है, इट इन्वॉल्व द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, वाटर और मिनरल का कंडक्शन कराएगा रूट टू लीफ, है ना, जो सैपवुड होगा वो हमारे वाटर और मिनरल का कंडक्शन कराएगा फ्रॉम रूट टू लीफ। ये हमारा इंपॉर्टेंट है। सैपवुड हार्डवुड में डिफरेंस, हमसे पूछ लेते हैं कि हार्डवुड का काम क्या होता है, सैपवुड का काम क्या होता है, तो ये हमारा जो हार्डवुड होता है वो हमारे वाटर मिनरल के कंडक्शन में हेल्प नहीं करता है, बट मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, बट जो सैपवुड होता है वो हमारा वाटर मिनरल के कंडक्शन में हेल्प करता है फ्रॉम रूट टू लीफ। ठीक है, याद रखेंगे हम, सब कुछ अच्छे से मैंने बताया है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कॉर कैम्बियम, जो हमारा कॉर कैम्बियम क्या होता है। एज द स्टेम कंटिन्यू टू इंक्रीज इन गिर्थ ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ द वास्कुलर कैम्बियम, जो हमारा कॉर कैम्बियम क्या होता है, हमारा स्टेम जो होता है कॉन्टिन्यूस इंक्रीज टू गिर्थ, जो हमारा चौड़ाई में बढ़ता जाता है। ठीक है, जो हमारा होता है द स्टेम कॉन्टिन्यू टू इंक्रीज इन गिर्थ ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ द वास्कुलर कैम्बियम, वास्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी की एक्टिविटी से हमारा जो होता है स्टेम हमारा चौड़ाई में यानी मोटाई में बढ़ता जाता है। द आउटर कॉर्टिकल एंड एपिडर्मिस लेयर गेट ब्रोकन एंड नीड टू बी रिप्लेस द प्रोवाइड द न्यू प्रोटेक्टिव लेयर्स, है ना, यानी क्या है, जब आउटर जो बाहरी कॉर्टिकल लेयर्स होती हैं यानी एपिडर्मस लेयर होती हैं वो टूट जाती हैं और नीड टू रिप्लेस टू प्रोवाइड द न्यू प्रोटेक्टिव सेल लेयर, है ना, और वो नई प्रोटेक्टिव सेल लेयर बना लेती हैं। ठीक है, हेंस सूनर और लेटर अनदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कॉल्ड कॉर कैम्बियम, उसके बाद जो हमारा सूनर यानी पहले जल्दी या बाद में दूसरा एक अनदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बन जाता है, जिसको हम कॉर कैम्बियम बोलते हैं। कॉर कैम्बियम को हम बोलते हैं फेलोजन। ठीक है, ये हम याद रखेंगे कि हम जो कॉर कैम्बियम होता है हमारा, कॉर कैम्बियम को हम बोलते हैं फेलोजन। ठीक है, कॉर कैम्बियम को बोलते हैं फेलोजन। कॉर कैम्बियम और फेलोजन डेवलप यूजली इन कॉर्टेक्स रीजन, जो हमारी कॉर्टेक्स रीजन में होता है कॉर कैम्बियम और फेलोजन डेवलप हो जाता है। ये हमारा कॉर कैम्बियम फेलोजन हमारा कब बना, क्योंकि जो हमारे थे जो आउटर कॉर्टिकल एंड एपिडर्मिस की लेयर थी वो हमारी ब्रोकन हो गई और हमारी वो उनका उनको उनकी ज़रूरत थी वो रिप्लेस हो गई, नई प्रोटेक्टिव सेल लेयर में बदल गई। जो नई प्रोटेक्टिव सेल लेयर थी वो पहले या बाद में सूनर और लेटर इन अदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कन्वर्ट हो गई, जिसको हम कॉर कैम्बियम बोलते थे और फेलोजन बोलते थे, है ना। फेलोजन जो डेवलप होते हैं हमारे यूजली कॉर्टेक्स रीजन पे डेवलप होते हैं। ठीक है, फेलोजन इज कपल ऑफ लेयर थिक, है ना, जो फेलोजन होते हैं वो कपल ऑफ लेयर थिक्स होते हैं, है ना, कपल ऑफ लेयर थिक्स से मतलब बने होते हैं। इट इज मेड ऑफ अ नैरो थिन वॉल एंड नियरली रेक्टेंगुलर सेल, ये हमारी जो होती हैं फेलोजन क्या होती है, मेड ऑफ अ नैरो थिन वॉल्ड एंड नियरली रेक्टेंगुलर शेप होती हैं, रेक्टेंगल की शेप की होती हैं। फेलोजन कट सेल ऑफ बोथ साइड, जो फेलोजन होते हैं ये बोथ साइड से सेल को कट करते हैं। द आउटर सेल डिफरेंशिएट इंटू कॉर्क, जो आउटर सेल होती है हमारी वो डिफरेंशिएट हो जाती है, आउटर सेल डिफरेंशिएट हो जाती है कॉर्क को हम बोलते हैं फिल्म। कॉर्क कैम्बियम को हम बोलते थे फेलोजन, बट हम जो कॉर्क को बोलते हैं फिल्म बोलते हैं। वाइल इनर सेल डिफरेंशिएट इंटू सेकेंडरी, जबकि हमारी जो इनर सेल होती है वो डिफरेंशिएट हो जाती है सेकेंडरी कॉर्टेक्स को हम बोलते हैं फिलोटर्म। ये तीन चार वर्ड हैं, ये बहुत कन्फ्यूजिंग है, इनको हम याद रखेंगे अच्छे से। जो कॉर कैम्बियम थे उसको हम फिलोजन बोलते थे, जो हमारा जो कॉर्क है उसको हम फिल्लेम बोलते हैं, जो हमारा सेकेंडरी कॉर्टेक्स है उसको हम फिलोडर्म बोलते हैं। ठीक है, फिलोडर्म बोलते हैं, ये याद रखेंगे। द कॉर्क इज इम्परमेबियस टू वाटर ड्यू टू द सुवेरिन डिपोजिशन इन द सेल वॉल, जो हमारा कॉर्क होता है ये हमारा इम्परमेबियस टू वाटर होता है। इम्परमेबियस टू वाटर क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो होता है हमारा किसका डिपोजिशन होता है, सीवरिन का डिपोजिशन होता है। सीवरिन जो होता है हमारा कैस्पेरियन स्ट्रिप में पाया जाता है, हमारा एंडोडर्मिस में पाया जाता है, मैंने आपको बताया था।
ठीक है, इस वजह से हमारा इस वेरिएंट का डिपोजिशन की वजह से ये हमारा वाटर इम्परविबियस होता है। ठीक है, द सेल ऑफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स आर पैरेन्काइमेटस, जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स की सेल होती है वो पैरेन्काइमेटस होती है ना, जो हमारा फिल्लेम होगा, फिल्लोजन होगा, सॉरी फिल्लोजन होगा यानी कॉर्क कैम्बियम होगा, फिल्लेम यानी हमारा कॉर्क होगा, एंड फिल्लोडर्म यानी हमारा सेकेंडरी कॉर्टेक्स होगा, ये मिलकर बनाते हैं हमारे पेरीडर्म, पेरीडर्म बनाते हैं। ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम, जो एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम, प्रेशर बिल्ड अप द रिमेनिंग लेयर पेरीफेरल, पेरीफेरल टू फिल्लोजन, एंड अल्टीमेटली दीज लेयर डाइज एंड स्लड ऑफ। ये हमारी, इसका मतलब क्या है हमारा, जो हमारा जो होता है ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ द कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से कॉर्क कैम्बियम जो हमारा वो सेकेंडरी ग्रोथ कॉज करवाएगा, तुम्हारी गिर्थ में कॉज करवाएगा, तो इसमें एक प्रेशर बिल्डअप होता है, रिमेनिंग द पेरीफेरल में जितनी लेयर होती हैं उनमें एक प्रेशर डेवलप होता है टू द फिल्लोजन, है ना, एंड अल्टीमेटली, अल्टीमेटली दीज लेयर जो होती हैं मतलब डेड हो जाती हैं और स्लड ऑफ हो जाती हैं, स्लोप ऑफ हो जाती हैं। तो हम आपको ये बता दें, जो हमारा पेरीडर्म होता है पेरीडर्म जो होता है हमारा पेरीडर्म किससे किससे मिलके बनता है हमारा पेरीडर्म जो हमारा होता है फिल्लेन, फिल्लोजन, फिल्लोजन जिसको हम बोलते थे कॉर्क कैम्बियम बोलते थे, ठीक है, और फिल्लेम, फिल्लेम जिसको हम बोलते हैं कॉर्क बोलते हैं, और जो हमारा फिल्लोडर्म होता है, फिल्लोडर्म जिसको हम सेकेंडरी कॉर्टेक्स बोलते हैं, फिल्लोडर्म, इन तीन चीज़ों से मिलकर हमारा पेरीडर्म बनता है। हमें ऑप्शन में दे देता है पेरीडर्म हमारा कैसे बनता है, पेरीडर्म हमारा होता है फिल्लोजन से बनता है, फिल्लोजन को हम कॉर्क एम्बियम बोलते थे, फिल्लेम को हम बोलते हैं कॉर्क बोलते हैं, और फिल्लोडर्म को हम सेकेंडरी कॉर्टेक्स बोलते थे, इससे मिलकर हमारा पेरीडर्म बनता है। ठीक है, ये हम याद रखेंगे। अब हम देखते हैं बार्क क्या होता है, बार्क क्या होता है ये हम देखते हैं, बार्क क्या होता है, बार्क मतलब छाल। ठीक है, तो हम देखते हैं ना पेड़ की छाल, बार्क जो होता है छाल होता है, सॉरी बार्क जो होता है हमारा छाल होता है, पेड़ की जो हमको ब्लैक ब्लैक सी ऊपरी दिखती है हमको लेयर। ठीक है, बार्क इज द नॉन टेक्निकल टर्म, बार्क जो होता है नॉन टेक्निकल टर्म होता है, डेड रिपर टू ऑल टिश्यू एक्सटीरियर टू द वास्कुलर कैम्बियम, है ना, ये हमारा बार्क जो होता है वो नॉन टेक्निकल टर्म है, डेड रिपर टू एक्सटीरियर, एक्सटीरियर यानी बाहरी टिश्यू, वास्कुलर कैम्बियम के बाहरी टिश्यू जो होते हैं उनको हम बार्क बोलते हैं, देयरफॉर तो हमारा बार्क होता है वो नॉन टेक्निकल टर्म होता है, एक्सटीरियर टिश्यू होता है वास्कुलर कैम्बियम के, जो हमारे बाहर के टिश्यू होते हैं उनको हम बार्क बोलते हैं, देयरफॉर इंक्लूडिंग द सेकेंडरी फ्लोएम, इसमें हम सेकेंडरी फ्लोएम को भी इंक्लूड करते हैं, बार्क रिफर टू ए नंबर ऑफ टिश्यू टाइप, है ना, इसमें जो बार्क होता है इसमें टिश्यू टाइप के नंबर ऑफ टिश्यू टाइप को हम इंक्लूड करते हैं, जैसे हमारा पेरीडर्म हो गया, है ना, पेरीडर्म हमारा हो गया, पेरीडर्म हमारा किससे किससे बनना था, हमारा फिल्लेम से बनना था, है ना, पेरीडर्म हमारा फिल्लोजन से बनना था यानी कॉर्क कैम्बियम से बनना था, और हमारा फिल्लेम से बनना था यानी कॉर्क से बनना था, और हमारा फिल्लोजन से बनना था यानी सेकेंडरी कॉर्टेक्स से बनना था हमारा पेरीडर्म। ठीक है, तो उसके बाद क्या है हमारा, बार्क रिपर टू नंबर ऑफ द टिश्यू टाइप्स वाइज द पेरीडर्म एंड सेकेंडरी फ्लोएम, बार्क डेट फॉर्म अर्ली इन सीजन कॉल अर्ली, है ना, जो हमारी पहले सीजन में मतलब जल्दी बन जाएगी उसको हम अर्ली और सॉफ्ट बार्क बोलेंगे, जो हमारी बार्क इज फॉर्म अर्ली एंड सॉफ्ट इसको हम बोलते हैं, जो बार्क हमारी अर्ली बन जाएगी सीजन में उसको हम सॉफ्ट और अर्ली बार्क बोलेंगे। ठीक है, टूवर्ड द एंड ऑफ द सीजन, जो हमारी सीजन के मतलब सीजन ख़त्म होने के बाद बनेगी तो उसको हम बोलेंगे लेट और हार्ड बार्क। ठीक है, लेट और हार्ड बार्क बोलेंगे। नेम ऑफ वेरियस काइंड ऑफ द सेल लेयर विच कंस्टिट्यूट ऑफ द बार्क एट द सर्टेन रीजन, द फिल्लोजन, फिल्लोजन कट ऑफ द क्लोजली अरेंज्ड पेरेन्काइमेटस सेल ऑन आउटर साइड इंस्टीड द कॉर्क सेल, कॉर्क सेल जो हमारी थी, जो हमारी कॉर्क सेल थी हमारी, दीज पेरेन्काइमेटस सेल सून रैप्चर एंड एपिडर्मिस
फॉर्म द लेंस शेप ओपनिंग कॉल लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स परमिट द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस बिटवीन द आउटर एटमोसफियर एंड द इंटरनल टिश्यू ऑफ द स्टेम। दीज अकर्स इन मोस्ट वुडी ट्री। इसका मतलब क्या है अब हम आपको बताते हैं। तो इसमें क्या है, हमारा जो है सर्टेन रीजन द फिल्लोजन जो हमारा होता है वो हमारा होता है कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, फिल्लोजन होता है हमारा कॉर्क कैम्बियम होता है। ठीक है, कट ऑफ द क्लोजली अरेंज पेरेंकाइमेटस सेल ऑन आउटर साइड इंस्टीट्यूट द कॉर्क सेल। यानी फिल्लोजन जो होती है हमारी कॉर्क कैम्बियम होती है हमारी पेरेंकाइमेटस सेल से हमारी कॉर्क सेल को कट करते हैं। दीज पेरेंकाइमेटस सेल सून रैप्चर। ये हमारी पेरेंकाइमेटस सेल जो होती है हमारी रैप्चर हो जाती हैं। द एपिडर्मिस जो उनकी जो एपिडर्मिस होती है फॉर्म ए लेंस शेप ओपनिंग। जो इनकी एपिडर्मिस होती है एक लेंस शेप ओपनिंग बनाती है जिसको हम लेंटिसेल बोलते हैं। तो लेंटिसेल का फंक्शन क्या होता है हमारा, लेंटिसेल हमारी कहाँ पाई जाती है, बार्क में पाई जाती है। बार्क हमारी कहाँ पे पाई जाती है, बार्क हमारी स्टेम में पाई जाती है। ठीक है, लेंटिसेल जो होती है हमारी क्या करती हैं, लेंटिसेल परमिट द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस बिटवीन द आउटर एटमोसफियर एंड इंटरनल टिश्यू ऑफ द स्टेम। यानी लेंटिसेल जो होती है हमारी गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करती है आउटर एटमोसफियर और इंटरनल टिश्यू ऑफ द स्टेम के में गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करती है। लेंटिसेल हमारी कहाँ पाई जाती है, लेंटिसेल हमारी स्टेम में पाई जाती हैं, ये हम याद रखेंगे। ठीक है, गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करती हैं। स्टोमेटा जो थे हमारे लीफ में पाए जा रहे थे एपिडर्मिस में, और वो हमारे गैसियस एक्सचेंज में वो भी हेल्प कर रहे थे। ठीक है, दी जकर्स इन मोस्ट बॉडी ट्री, ये हमारे मोस्ट बॉडी ट्री में होते हैं। लेंटिसेल ये हमारे बार्क का एग्जाम्पल दिया गया है ना, ये हमारी एपिडर्मिस दिखाई गई है, एक कॉर्क एम्बियम दिखाया गया है हमको, कॉर्क एम्बियम उसके बाद सेकेंडरी कॉर्टेक्स वगैरह, ये हमको बार्क का दिखाया गया है ना। उसके बाद क्या है हमारी सेकेंडरी ग्रोथ रूट में देखते हैं हम। इन डाइकॉट रूट द वास्कुलर कैम्बियम इज कम्पलेटली सेकेंडरी इन ओरिजिन। जो हमारे क्या होते हैं, जो रूट डाइकॉट रूट में जो होते हैं वास्कुलर कैम्बियम होते हैं कम्पलेटली सेकेंडरी होते हैं इन ओरिजिन में। उसे कम्पलेटली सेकेंडरी ओरिजिन में होते हैं इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे वास्कुलर कैम्बियम जो होते हैं हमारे उसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है ना, एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम रिंग होती है, इस वजह से उसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है, इसलिए उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी इन ओरिजिन। ठीक है, इट ओरिजिनेट फ्रॉम द टिश्यू लोकेटेड जस्ट बिलो द फ्लोएम, है ना। ये जो होते हैं ओरिजिनेट फ्रॉम द टिश्यू जस्ट बिलो द फ्लोएम बंडल, है ना। ये कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, जो हमारे फ्लोएम बंडल होते हैं उसके जस्ट नीचे से। ठीक है, ए पोर्सन ऑफ पेरीसाइकिल टिश्यू, एक पेरीसाइकिल टिश्यू एबव द प्रोटोजाइलम फॉर्मिंग ए कम्प्लीट रिंग, कम्प्लीट ए कंटिन्यूस बेबी रिंग विच लेटर बिकम द सर्कुलर। फर्दर इवेंट आर सिमिलर टू दोज ऑलरेडी डिस्क्राइब एबव द डाइकॉटर स्टेम, है ना। इसका मतलब यही है, सिंपल सा मतलब ये बता रहा है कि हमारे जो होते हैं फ्लोएम बंडल्स जो होते हैं हमारे जाइलम फ्लोएम बंडल हमारे एक रिंग में अरेंज थे, और उसी तरह से ये हमारे प्रोटोजाइलम फॉर्मिंग कंप्लीट रिंग, हमारे प्रोटोजाइलम हमारे कंटिन्यूस एक बेबी रिंग बना लेते हैं। बेबी रिंग जो हमारी होती है लेटर वो सर्कुलर हो जाती है और सिमिलर जो हमारी जो जैसे हमने डाइकॉट स्टेम में हमने देख रखा है उसी तरह का पूरा बता रहे हैं इसमें कि डाइकॉट जो बेबी रिंग होती है वो हमारी लास्ट में कम्प्लीटली एकदम रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बना लेती है। ठीक है, हमको ये इसके फिगर दिखाए गए हैं, फिगर क्या है हमको सेकेंडरी ग्रोथ आल्सो अकर इन स्टेम, ये हमको दिखाया गया है। सेकेंडरी ग्रोथ आल्सो अकर इन स्टेम एंड रूट ऑफ जिम्नियोस्पर्म। सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है हमारी वो हमारी स्टेम और रूट ऑफ जिम्नियोस्पर्म में होती है। हाउएवर सेकेंडरी ग्रोथ डज नॉट अकर इन मोनोकॉट, जो हमारी मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है क्योंकि इसमें कैम्बियम रिंग नहीं पाई जाती है, कैम्बियम की एक्टिविटी नहीं पाई जाती है। तो इसमें हमको एपिडर्मिस दिखाया गया है, कॉर्टेक्स दिखाया गया है, एपिडर्मिस दिखाया गया है, कॉर्टेक्स दिखाया गया, वास्कुलर कैम्बियम दिखाया गया। वास्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी से हमारी सेकेंडरी ग्रोथ होती है। हमको ये सेकेंडरी फ्लोएम दिखाया गया है ना, प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम ये दिखाया गया है, ये हमारा कॉर्टेक्स हो गया। अब ये इसमें हमको दिखाया गया एनुअल रिंग के बारे में, एपिडर्मिस को हम पेरीडर्म बोलते हैं। ठीक है, और हमारा कॉर्टेक्स हो गया, ये प्राइमरी फ्लोएम हो गया हमारा, ये हमारा एनुअल रिंग। एनुअल रिंग हमारी एक एनुअल में मतलब एक साल में हमारी एक स्प्रिंग बोट बनेगी, एक हार्ड बोट बनेगी, है ना। तो हमारी तो हम उसको एक वन ईयर कंसाइडर करेंगे, है ना। तो उस प्लांट की जो एज होगी वन ईयर होगी, है ना। सेकेंडरी जाइलम जो होगा ये हमारा सेकेंडरी फ्लोएम जो है, सेकेंडरी
फ्लोएम की रेस है। ठीक है, सो फिलहाल तो सब कुछ मैंने पढ़ लिया है इस चैप्टर में। मैं आपको बार्क के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। जो बार्क होता है हमारा, बार्क किससे किससे बनता है, हमारा जो पेरीडर्म होता है ना, पेरीडर्म प्लस जो हमारा सेकेंडरी फ्लोएम से हमारा बार्क बनता है। पेरीडर्म हमारा किससे किससे मिलके बनना था, जो पेरीडर्म था हमारा फिल्म था। फिल्म को हम क्या बोल रहे थे, फिल्म को हम कॉर्क बोल रहे थे। और जो हमारा फिल्लोजन था, फिल्लोजन को हम कॉर्क एम्बियम बोल रहे थे। और हमारा फिल्लोटर्म था, उसको हम सेकेंडरी कॉर्टेक्स बोल रहे थे। जो हमारा बार्क है, बार्क हमारा किससे किससे मिलके बनना था, पेरीडर्म में हमारे तीन चीज़ें आती थी, फिल्म आता था है ना, फिल्लोजन आता था, और हमारा फिल्लोटर्म आता था, और प्लस सेकेंडरी फ्लोएम से मिलके हमारी बार्क बनती है। तो फिलहाल आई होप आपको वीडियो मेरा पसंद आया होगा, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। So if you like my session, so please subscribe my channel and like share my video with friends. And if you want to join my social media handle, so I provide a link in about section of my channel. Please go through and click the social media icon and join with us.